आप आप सभी चैनल, आप सभी को मैं मैं स्वागत करता मेरे में। बहुत है। के लिए जो की preparation कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक complete video दे रहा हूं यहाँ पे ईवीएस का जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और जिसको आपको कंटेंट मिलेगा वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने के लिए मिलेगा बेसिकली मैं सबसे ज्यादा किससे कोशिश करता हूँ समझाने की पिक्चर्स के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एक एक साइड में यहाँ पर एक साइड इंग्लिश और एक साइड हिंदी देखने को मिलेगी वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे स्टूडेंट को यहाँ पे फायदा मिलेगा आपको ऐसे वीडियो कहीं नहीं मिलेगा दूसरे यूट्यूब चैनल कहीं पे भी नहीं मैं सभी स्टूडेंट को इक्वल तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा किसी भी चीज में अगर आपको तो भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा वही पिक्चर्स के द्वारा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बेल दिख रही होगी ये वाली इसमें आपको क्या करना है सब्सक्राइब करने के साथ आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबाना है साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ यहाँ पर आपको सोशल साइंस जो आपके पार्ट टू सीटेड पेपर टू होता है और साइंस इसमें ये दोनों पूछा जाता है तो इसको भी मैं पिक्चर्स के द्वारा ही समझा रहा हूँ तो किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी चीज़ में किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बताइए मैं उसका आपको वीडियो बना के दूंगा प्लस मैंने यहाँ पे 22 पार्ट्स कंप्लीट करा चुके हैं किस चीज़ के जो हमारी थाउजेंड क्वेश्चन की सीरीज हो रही है उसके मैंने टोटल अभी तक 22 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं वो भी एडवांस लेवल के हमने क्वेश्चन किए हैं क्योंकि तो के वी में क्या होता है आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ तो आप अब देखिए मेरा वीडियो आराम से एंड तक किसी को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपकी सी एग्जामिनेशन के द्वारा लिए अगर आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है तो इस ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट है आपको प्लेलिस्ट लिस्ट दिखेंगी अभी अभी मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो आपको बहुत सारे यहाँ पे प्ले देखने के लिए मिल जाएंगी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया है ठीक है तो हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है देखिए हमें पढ़ना है फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप वर्क एंड प्ले जोड़े हैं जो आपके एग्जाम में हर साल बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है आपका एक मैप और आपका एक टॉपिक ऑफ कैंसर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉन होता है और इक्वेटर इनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिक्र मत करिए मैंने हर एक चीज़ को इंक्लूड करूंगा और मैप जो होगा उसको मैं मैपिंग के द्वारा समझाऊंगा स्टूडेंट मैप से बहुत जल्दी द्वारा समझ जाएंगे एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा ओके तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ मैंने एक एक चीज को लेके चला है आपको किसी को इश्यू नहीं आएगा जो आखिरी में जो मेन एक लाइन वाली चीज़ होगी उनको मैं हम बाद में देख लेंगे पहले हम अपने टॉपिक पे चलते देखिए फैमिली हमारा सबसे पहला टॉपिक है तो फैमिली क्या होती है देखिए फैमिली टोटल पांच तरीके की होती है न्यूक्लियर होती है ज्वाइंट होती है

आपके फादर मदर आप आपके सिस्टर या ब्रदर रहते हैं वो आपका न्यूक्लियर फैमिली है जॉइंट फैमिली फैमिली क्या होता है आपके दादा जी, आप, आपके आपके दादाजी आप चाचा चाची पे बहुत आपके जो से सारे लोग एक साथ रहते हैं वो आपका जॉइंट फैमिली होता है आपने देखा होगा गांव में लोग कैसे रहते हैं सभी गांव में वो एकजुट होकर रहते हैं मैं सिटी में भी रहते हैं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ तो ये बोलो बोलो क्या होते हैं वो दादा दादी आपके चाचा चाची बुआ आपके फादर, मदर, आपकी सब क्या रहते एक साथ रहते हैं तो वो क्या होता, फैमिली होता? आपकी रहती है तो ये क्या होता? आपकी फैमिली होती है, याद जिसे हम क्या कहते हैं संयुक्त परिवार कहते हैं देखिए मैं एक एक चीज आपको समझाते हुए भी चलूंगा तो यहाँ पर किस चीज की हम बात कर रहे थे ज्वाइंट फैमिली वो होता है जहाँ पे क्या होता है आपके पेरेंट्स रहते हैं सन एंड सन एंड डॉटर्स रहते हैं आपके बेटा बेटी रहते हो भाई बहन रहते हो सिस्टर इन लॉ आपके चाचा चाची रहते हो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो आपके दादा दादी ये क्या होता है आपका ज्वाइंट फैमिली होता है वहीं आपकी न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है एक छोटी इकाई होती है मतलब छोटी एक फैमिली होती है जहाँ पर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ आपके फादर मदर रहते हैं और क्या होता है आप किनसे आपके भाई और बहन रहते हैं अब अगर हम पेट्रियाकल पे आते हैं तो देखिए पेट्रियाकल सोसाइटी क्या होती है पेट्रियर्कल सोसाइटी वो होती है तो आपने देखा हो कि who is the head of your family? आप पूछते होंगे कि आपकी फैमिली का हेड कौन है तो आप क्या बोलते होंगे फादर मेरे फैमिली के हेड है तो वो क्या होता है आपका पेट्रियार्कल सोसाइटी होता है मीन जहां पर क्या होता है आपके फादर हेड होते हैं अब इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हैं हिंदी हिंदी में क्या होगा पति मतलब क्या होता है मेल होता है और यहाँ पा दिख रहा है पा तो ये आप पापा बोलते हैं ना पापा जी तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये क्या होगा आपका पेट्रियाकल होता है मेट्रियाकल कहाँ होती है जहाँ पे जो मेल होती है जो फीमेल सॉरी जो फीमेल होती है वो हेड होती है कौन होती है फीमेल हेड होती हेड ऑफ द फैमिली होती है तो यहाँ पे माँ है हम कहते हैं ना माँ तो आप इस तरीके से याद रहते हैं जो मेमा सतात्मक होती हैं ये आपको याद रखना है तो मेट्रियार्कल कहाँ होता है जहां पर आपकी क्या हो मदर हो आपकी दादी जी हो दाद... ये क्या होते हैं आपकी मेट्रियाकल होती है वहीं आपका पेट्रियार्कल क्या होता है जहां पर आपके फादर हेड कर रहे हो मतलब फादर फिर आप हेड करेंगे एज अ मेल मतलब जो मेल होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं और याद रखिएगा मेट्रियाकल में क्या होता है जो फीमेल होती हैं वो यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली होती हैं कंसिंजिन को फैमिली वो होती है जो एक सेम ब्लड रिलेशनशिप शेयर करती हैं जैसे कि देखिए आपकी मदर आई हैं दूसरे घर से ठीक है अब वो शादी करके आपके आपके फादर के साथ रह रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है वो कंसिंजिन है ये आप बिल्कुल भी नहीं वो किस वो क्या होंगे कंसिंजिन वो होते हैं जहां पर आपके क्या होंगे ग्रैंडफादर आपके फादर आपके चाचा जी अंकल आप मतलब सेम मतलब पूरा जो मेल होता है मतलब आपकी जो चली आ रही है आपके भाई बहन सन एंड डॉटर आपकी बुआ ये सब क्या होते हैं आपकी फैमिली होती है ये आपको याद रखना है जो एक सेम ब्लड यहाँ पे क्या करते हो एक सेम ब्लड वाले शेयर करते हो मतलब सभी का खून क्या होता है एक समान होता है वो क्या होते हैं कॉन्सेंज होते हैं ये आपको याद रखना है मींस क्या होते हैं ये क्या होते हैं शादी से कोई मतलब नहीं है कि जो शादी में क्या होगा कभी लड़की यहाँ आ गई कभी लड़का इनकेस वहां चले आता तो ऐसा नहीं जहां पर क्या होता है एक सेम सेम रिलेशनशिप जो 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 फादर का जो जो आपके है वो पूरा खून एकदम चलते पीड़ी दर, पीड़ी चलते हुए आते जाए जाए आपकी पीढ़ी पीढ़ी दर ये आपको याद रखना ओके फोटोसिंथेसिस okay? क्या होता है देखिये ये एक प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है आपको ये दिख रहे हैं जहां से क्या होता है ये आपको हमारे सन दिख रहे हैं हमारे सूर्य देवता दिख रहे हैं तो देखिए इसमें क्या होता है प्लांट क्या हो रहा है अपना फूड प्रिपेयर करता है किसकी प्रोसेस से करता है फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से तो जो प्लांट होता है ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये किसके बेसिस पे करेगा ये सन की जो रोशनी है उसके बेसिस पे अपना फूड प्रिपेयर करता है अब ये प्रोसेस होती कहाँ बेसिकली ये आपको एक लीव दिख रही है ना ये लीव इस लीव में ये प्रोसेस होती है याद रखिए ये प्रक्रिया किस में होती है ये प्रक्रिया इस पत्ती में होती है इस पत्ती में होती है इस लीफ में होती है जिसके द्वारा खाना बनता है अब यहाँ पे दो चीज होती है देखिए क्या होती है आपने एक स्टोमेटा देखा होगा मतलब मैं बता रहा हूँ आपने देखा नहीं है अभी स्टोमेटा होता है देखिए स्टोमेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है दो प्रोसेस होती है जिसके वजह से होता है एक स्टोमेटा होता है एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये दो होती है मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनिए मैंने हिंदी में एक एक चीज लिखी मैं अभी इसको पढ़ूंगा आप फिक्र मत करिएगा और आपका एक स्टोमेटा होता है ये दो होती है अब इसमें क्या होता है कुछ समय के लिए देखिए मैं समझा तो हिंदी में रहा हूँ फिर मैं इंग्लिश आपको जो स्लाइड होगा मैं उसमें भी समझा दूंगा आपको ठीक है इसमें क्या होता है ऑक्सीजन क्या होती बाहर जाती है इसमें क्या होती ऑक्सीजन बाहर जाती है आपकी और आपका वाटर बाहर जाता है एस अब अंदर क्या आता है अंदर आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं ना कि जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी कम ग्लोबल वार्मिंग होती है क्यों होती है देखिए डे के टाइम क्या होगा जब सूर्य ऊपर होगा सूर्य होगा डे होगा हो तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उसके प्रोसेस से क्या होगा फूड बनेगा फूड से क्या होता है ग्लूकोज में वो क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज की प्रोसेस से कन्वर्ट होता है जो आपकी लास्ट स्टेज होती है ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्लूकोज जो होता है उसके जो आखिरी स्टेज अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आखिरी स्टेज क्या होती है तो ग्लूकोज होती है जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ये आपको याद रखना है तो क्लोरोफिल में आपको बता चुका हूं अभी क्लोरोफिल पे भी हम आते हैं देखिए तो यहाँ पे क्या होता है आप जब जब क्या क्या होता है स्टोमेटा ऑक्सीजन को को वो बाहर बाहर करे को बाहर करे वाटर को बाहर करे और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले वो स्टोमेटा होता है अब आपने बहुत बार क्लोरोफिल पिगमेंट का होता है आपने लीफ में क्या देखा होगा यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स देखे होंगे ठीक पिगमेंट है पिगमेंट्स होते हैं ये ये क्या होता है मतलब ये

आपका फूड प्रिपेयर होगा और आखिरी स्टेज आपकी क्या रहेगी आपकी ग्लूकोज आखिरी स्टेज रहेगी तो इसी के द्वारा मैं आपको एक एक चीज बड़े ही बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ अब क्या होता है अब जब यहां से क्या होगा वाटर वाटर रिलीज हो जाएगा तो बहुत सारा चला गया क्योंकि जब ये क्या हो रहा है स्टोमेटा से तो पानी जा रहा है अब दूसरे पार्ट्स में आखिरकार पानी कैसे आएगा इन पार्ट्स में तो भाई पानी रहना चाहिए जब पानी मतलब रिलीज हो गया है एटमोस्फेयर में चला गया है एवोपरेट हो गया मतलब क्या वाटर वेपर की फॉर्म में चला गया

अब क्या होता है प्रक्रिया एक, एक भी होती देखिए इसमें क्या होता है जब फूड बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाता है मतलब बहुत ज्यादा जब आपका खाना बन जाता है तो क्या करता है ये दूसरे डिफरेंट ऑफ प्लांट मतलब दूसरे डिफरेंट ऑफ जो ब्रांचेस है जहां जो जो पार्ट्स है उसमें क्या ये खाना पहुंचाता है तो ये क्या होता है आपका फोलेम होता है तो हमने क्या क्या चीज जानी देखिए सबसे पहले हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है एक प्रक्रिया होती है जिसके वजह से जो प्लांट है अपना फूड बनाता है पहले हमने ये जाना फिर हमने क्या जाना है दूसरी, दूसरी चीज में हमने ये जाना जी ये स्टोमेटा है ये क्या करता है ऑक्सीजन को बाहर करता है और वाटर को बाहर करता है और क्या कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ये क्या होता है इससे क्या होता है जो आपका डे रहता है जब डे रहता है जब हम क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे होगी डे के टाइम क्या होगा ये बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड लेगा का और उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा अपना खाना बनाता है और ग्लूकोज क्या होती है आपकी लास्ट स्टेज होती है यहीं पर ही जब क्या होगा जब ये वाटर बहुत और जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो हमने थर्ड चीज बात की है, क्लोरोफिल पिगमेंट याद रखिएगा क्लोरोफिल पिगमेंट आखिरकार ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है इसमें जो आपके बहुत छोटे छोटे से डॉट दिख रहे हैं ना इसमें ही आपकी क्या होती है जो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है इस पूरी तरीके से और खाने की प्रक्रिया होती है अब जब आपका बहुत ज्यादा पानी क्या होता है उड़ गया स्टोमेटा से क्या पानी चला गया इवापरेट हो गया तो यही जो आपके रूट में पानी होता है ना ये पानी को ऊपर ले जाता है इस प्रोसेस को हम जाइलम कहते हैं और जो बहुत ज्यादा एक्सेस में फूड बन जाता है तो ये जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्या होता है प्लांट में जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं फोलम कहते हैं ये आपको याद रखना है ये चीजें मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम न है तो ये हमने जाना है कि फोटोसि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वह है प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ जीव प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा को में बदलते हैं हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा के, के को कैप्चर करता है ये क्या करता है कैप्चर करता है किया जाता है और इसका प्रयोग क्या होता है पानी कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों को और ऑक्सीजन को ऊर्जा के संबंध कार्बन यौगिक में परिवर्तन करने के लिए काम किया जाता है जो मैंने आपको बताया कि क्या करता है ये पूरा का पूरा क्या लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता बाहर है बाहर बाहर फेंकता फेंकता है है वाटर को अब लेकिन क्या होता है रात को देखिए रात को ये जस्ट उल्टा हो जाता है ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उससे हम क्या कहते हैं रेस्पिरेशन कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब आप केवीएस का पेपर देंगे याद रखिए ये पॉइंट पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये वाला पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बहुत है आपको ये देखना ओके अब प्लांट क्या होते हैं मल्टी सेलुलर और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बहु कोशीय जीवित होते को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं मतलब दोनों पे दिखते पाँच हो गया ये सब क्या कर... अब प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है प्लांट हमें देता है वुड वुड का हम यूज़ कैसे करते हैं खाना बनाने में मुनाब कर सकते हैं हमारे जो घर की जो बहुत अच्छी तरीके से हम डेकोरेट करते हैं अलमीरा बनाते हैं वो हम वुड से बनाते हैं आपको शेल्टर दिखते हैं घर बनाते हैं आप पेपर बनाते हैं आप अपनी मेडिसिन भी बनाते हैं आप इससे क्या बनाते हैं मेडिसिन बनाते हैं जिसको आप अच्छी तरीके से आप अपनी हेल्थ के लिए उपयोग करते हैं अब रूट और शूट सिस्टम क्या होता है ये हम जान लेते हैं देखिए बहुत छोटी चीज़ में बहुत बड़ी चीज बता दूंगा एकदम छोटे छोटे कंटेंट में आपको ज्यादा बता रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए तो देखिए ये आपको लाइन दिख रही है बस यहीं खत्म हो जाएगा यहाँ पर आपका रूट हो गया ये पूरा आपका रूट सिस्टम है ये क्या है आपका पूरा का पूरा रूट सिस्टम है और इसके ऊपर जितना लीव्स आपका हुआ फ्लावर हो गया आपका फु... जो फ्रूट हो गया ये सब आपका शूट होता है यही आपको याद रखना है मतलब मैं क्या बता रहा हूँ रूट जहां तक होगी मतलब जहां तक आपको ये चीज दिखेगा ये क्या होगा आपका यही आपका आपने जब पेड़ देखा हुआ लगा हुआ जो आपको ऊपर दिखता है ना जस्ट जमीन से ऊपर वही आपका क्या शूट होने शुरू हो जाता है और लेकिन जो जमीन के अंदर होता है वो आपका रूट सिस्टम हो गया सिंपल वे में आप कोई सा भी एक पेड़ देखना पेड़ देखेंगे आपने लोगों के यहाँ पॉट लगा होगा तो उसमें आप देखेंगे तो क्या होगा जैसे ही आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट दिख जाए मतलब ऊपर आप ये मत बोल बोलिएगा कि सर मिट्टी कम है और रूट ऊपर आ गई है ऐसा नहीं बहुत सारे प्लांट में क्या होता है रूट ऊपर आती है तो वो भी क्या होता है आपका रूट सिस्टम ही होता है वो आपका रूट सिस्टम ही होता है क्योंकि क्यों रूट्स हैं आपके लेकिन जैसे ही आप ऊपर देखने लगेंगे तो आपकी लीव्स आ जाते हैं आपके फ्लावर्स आ जाते हैं और आपके जो फ्रूट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं आपके शूट सिस्टम में आते हैं ये आपको याद रखना है अब ये मैं आपको पूरी चीज़ बता चुका हूँ जो मैंने आपको बताना चाहता था कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है कैसे ये पूरा बनता है ग्लूकोज क्या है आपका एक लास्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोज क्या है आपका एक लास्ट प्रोडक्ट है किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो मुझे बताइएगा ठीक है किसी को भी अगर नहीं समझ अब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन क्या होता है देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीजन का निर्माण क्या होता है पानी के निर्माण से होता है मतलब देखिए क्या होता है जो ऑक्सीजन होता है उसका कैसे निर्माण होता? होता है ऑक्सीडेशन के कारण निर्माण होता है आपका जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन होता है आपका ओ टू होता है आपका वो क्या होता है वो किसके द्वारा होता है ऑक्सीडेशन के आपके निर्माण के कारण होता है ये आपको याद रखना है ग्लूकोज क्या, मतलब क्या होता है ग्लूकोज इज प्रिपेयर बाय रिडक्शन ऑफ सी ओ टू मतलब क्या होगा जब सी ओ टू कम होगा तब क्या बनता है आपका ग्लूकोज बनता है आपका और जो आपका O2 है जो ऑक्सीजन है वो किससे बनता है जब आपका जो ऑक्सीडेशन प्रिपेयर होता है तब आपका क्या बनता है ऑक्सीजन बनता है स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो देखिए स्टोमेटा क्या होता है ये भी बहुत टाइप के होते हैं आपके स्टोमेटा की हमने बात कर ली है तो स्टोमेटा क्या होता है ओपन होता है आपका ये क्या है क्लोज्ड है ये आपका क्लोज्ड है इतना आपका डीप नहीं पूछेगा तब भी मैंने क्या होगा आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे पिक्चर्स लगाई है जब स्टोमेटा ओपन होगा तो ये क्या करेगा आपका ऑक्सीजन क्या करेगा बाहर फेंकेगा आपका H2O बाहर फेंकेगा और अंदर क्या लेगा सी लेगा जितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ बस आपको ध्यान से सुनना है

क्लोरोफिल इज अ ग्रीन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट फाउंड इन प्लांट एल्गाई एंड क्या बैक्टीरिया जो मैंने अभी आपको बताया जो आपको मैंने लीव्स बताया था उसमें जो हरे हरे होते हैं ये क्या था स्टोमेटा होता है और एक क्या होता है पिगमेंट होता है आपका उसी चीज की मैं आपसे बात कर रहा था ये मैं आपको पूरा चीज़ बता चुका हूँ क्लोरोफिल एब्जॉर्व मोस्टली इन द ब्लू एंड टू एंड टू अ लेजर एक्सटेंड रेड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हेंस इट इज इंटेंस ग्रीन कलर ये आपको मैं बता चुका हूँ अब मैं आगे चलता हूँ पिगमेंट क्या करता है आपका एबजॉर्व करता है सनलाइट को क्या करेगा एब्जॉर्व करता है ये फूड कैसे बनता है आप ये देख लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है आपका जो वाटर मिक्स होता है प्लस जो आपके मिनरल्स होता है इस प्रोसेस से किससे होता है ये सब सनलाइट की प्रोसेस से होता है और क्या होता है आपका फूड बनता है ये आपको याद है स्टोमेटा क्या करता है आपका सी ओ टू इनटेक करता है और ओ टू को क्या बाहर निकालता है और आपका एस टू ओ को भी बाहर निकालता है ये मैं चीज नहीं लिख पाया याद रखिएगा अब हम आगे चलते हैं देखिए लीफ क्या कहते हैं हम लीफ को क्या कहते हैं सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये आपका किटन ऑफ प्लांट होता है क्या होता है आपका किटन ऑफ प्लांट कहा जाता है इसको याद रखिएगा आप जाइलम हम जान चुके हैं जाइलम क्या होता है जो आपका नीचे से ऊपर तक जाता है वही आपका जाइलम होता है जो पानी नीचे से ऊपर तक जाता है उसे हम जाइलम कहते हैं फोलियम क्या होता है जो आपका फूड जो होता है प्रिपेयर हो जाता है और आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाता है वो आपका फोलियम होता है ये आपको याद रखना है या इसका रेट क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का रेट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ और रेस्पिरेशन का देखिए इसका होता है टेन टू रेशियो वन होता है किसका होता है आपका प्रकाश संश्लेषण और सबसे दर का होता है जो आपका रेस्पिरेशन होता है अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है गटेशन क्या होता है और फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये हम जान लेते हैं कम शब्दों में जानेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आता है देखिए अब अगर मैं आपको ट्रांसपिरेशन समझाऊं तो देखिए आपको कैसे समझ में आएगा जो पत्तियां आपने देखी होगी ना कोई सी भी आप समझ लीजिए कि ये लीव्स है ये लीव्स है अब आपने क्या देखा हो जो पत्तियों की जो सतह होती है जो सतह होती है ऊपर और जो नीचे होती है इसमें आपको कई बार क्या दिखने को मिलते हैं पोरस दिखने को मिलते होंगे और प्लांट क्या करता है अपने वाटर को क्या करता है स्टोर करके रखता है और जब भी ये वाटर क्या करता है वाटर वेपर के फॉर्म में क्या एटमॉस्फेयर में जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं मैंने अभी आपको किस तरीके से एग्जाम्पल के वे में समझाने को बताया था मैंने बताया था ना ट्रांसपीरेशन क्या होता है जब आप क्या करते हैं जो होता है जब क्या 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 करते हैं जितना आप क्या करेंगे? आप करेंगे पेड़ लगाएंगे उससे होगा ग्लोबल वार्मिंग आपकी कम होती है यही स्टोमेटा यहाँ पे आपको खुलता है दिन के समय और क्या होता है सनलाइट के प्रेजेंट में सीओ ये लेगा और ग्लूकोज के फॉर्म में ये एबजॉर्व करता है तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है वाटर फेफर के जो आपका वाटर स्टोर होता है ना प्लांट में बेसिकली जो वाटर वेपर

वो क्या होता है आपका सही पानी नहीं होता है सही पानी नहीं होता है माफ करिएगा मेरी राइटिंग क्या इतनी अच्छी नहीं है माफ करिएगा तब भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए तो ये क्या होता है जो पानी के जो बूंदे होती है ना वही आपका गटेशन होता है मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स आपका होता है गटेशन आपका वाटर ड्रॉपलेट्स होता है अब यहाँ पर क्या होता है देखिये दिन के समय क्या होता है जो वाटर वेपर होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में जाएगा याद रखिएगा दिन के फॉर्म में जो वाटर वेपर है वो किसके फॉर्म में जाता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में जाता है उसी को हम क्या कहते हैं आपका गटेशन कहते हैं और आपको ये चीज में बता दू इसको हम क्या बोलते हैं जो ये व्हाइट व्हाइट फॉर्म हो जाता है ना यहां पर जब आपने पत्ती पर देखा होगा ये कहलाता है आपका व्हाइट क्रिस्टी पैकेट कहलाता है ये क्या कहलाता है आपका व्हाइट क्रिस्टी पैकेट कहलाता है मतलब ये क्या होता है आपका सफेदपन होता है क्या होता है याद आपको ये चीज रखना है ओके किसी कोई भी प्रॉब्लम होगी और फोटोसिंथेसिस आपको बता चुका हूं जिस तरीके से जो प्लांट है अपना फूड बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाता है प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया से जो पौधा अपना क्या बनाता है भोजन निर्माण करता हो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं हमने ये जान लिया भूमिगत क्या होता है आपका जो निचला हिस्सा होता है ऊपर क्या होता आपका शिखर जो शूट क्या होता है आपका अपर पार्ट होती है जैसे आपका फ्रूट हुआ फ्लावर हुआ बर्ड हुआ आपके ब्रांचेस हुई ये सब आपका होता है याद रखेगा मशरूम एक ऐसा प्लांट है जो अपना प्रिपेयर जो होता है फूड नहीं करता है ये आप ये आप याद रखेगा अब हम सीड्स और सीड्स के टॉपिक पे आते हैं ये भी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन से से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो किसी को अगर कोई भी तक प्रॉब्लम आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मैं आपका एक एक चीज का आपको आंसर के साथ समझाऊंगा याद रखिएगा ठीक है अब हम सीड सीड्स एंड सीड पे चलते हैं देखिए क्या होता है फ्रूट्स होता है फ्रूट्स दो टाइप के एक ओवरी फॉर्म में आपको फ्रूट देखने को मिलता होगा और एक स्वीट फॉर्म सीड आपको क्या देखने दिख, को मिलता होगा ओवल फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं जिसके वजह से क्या होता है ये सीड होता है अब हमने क्लासिफाई इसको कैसे किया देखिए जो क्या होता है एक तो ओवरी फॉर्म में होता है वो क्या होता है आपका ट्रू फ्रूट होता है और जो अधर होता है जो आपका ओवरी होता है यहाँ पे क्या हो गया एक सेकंड ये ओवल है याद रखिएगा ये आपका ओवल है ये आपका ओवरी नहीं है ये आपका ओवल है थोड़ा सा गलती हो गई एप्पल हो गया अब इसको हम समझते हैं तो कैसे समझेंगे इसके में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाते हैं क्योंकि कहीं से भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछ लेगा तो फिर क्या होगा आपको पता नहीं होगा तो वो आपके के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ एंडोस्पम देखने को मिल रहे होंगे एम्ब्रॉय देखने को मिल रहा होगा सीट कोट देखने को मिल रहा होगा एंडोकार्प देखने को मिल रहा होगा मेजोकार्प आपको देखने के लिए मिल रहा होगा और एकोकार्प देखने के लिए मिल रहा होगा इसका मेरे पास हिंदी में नहीं था इसलिए मैं आपको हिंदी में नहीं बता पा रहा हूँ क्या है हर, हर चीज का मेरे पास हिंदी में नहीं हो पा रहा है मेरे से जो स्लाइड्स है स्लाइड से मैंने उनको बिल्कुल आपको दे के रखा जिस जिस चीज में नहीं मिल पा रहा है मैं उसके लिए आपके लिए माफी चाहता हूँ सर और मैम जिसको भी नहीं अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि सर ने फोटो में नहीं दिया है तो देखिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए समझिए फ्रूट्स जो होते हैं दो तरीके से बनते हैं एक से बनते हैं आपके तो पेरी क्या होता है आपका होता है ये जो आपको दिख रहा है ये आपका होता है फ्रूट वॉल होती है ये क्या होती है बहुत ही ज्यादा मोटी होती है जैसे कि आपका मैंगो हो गया मैंगो हो गए आपके नट हो गए इनकी जो थिकनेस होती है बहुत ही ज्यादा क्या होती है मोटी होती है बहुत ही ज्यादा मोटी होती है इसे हम क्या बोलते हैं पेरी कैप कहते हैं ये आपको याद रखना जिसकी वॉल क्या होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है अब इसी में तीन टाइप आपको दिखने को मिल रहा है एक एक्सोकार्प दिख रहा है एक मेसोकार्प दिख रहा है और एंडोकार्प देखने के लिए मिल रहा है हिंदी में मैंने लिखा है फिक्र मत करिए हिंदी में मैंने लिखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं ओके अब देखिए क्या है आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या मिल रहा होगा देखिये सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो एंडोकार्प क्या होता है एंडोकार्प जो आपको ये दिख रहा है

एक पार्थिनो कार्पिक होता है ये दो तरीके होते हैं कौन कौन से होते हैं पेरी होता है और एक पार्थिनो कार्पिक होता है पार्थिनो कार्पिक का हम क्या कहते हैं अनिश्चयी फल कहते हैं क्या बोलते हैं अनिश्चयी फल कहते हैं मैंने हिंदी में लिखा है मैं आपको बता देता हूँ देखिए आखिर आगे चल के मैं एक बार और रिपीट करूंगा आपको बता दूंगा देखिए तो क्या हम यहाँ पे जाने हैं ये दो प्रक्रिया होती है अगर हम हिंदी के साइड में चले तो देखिए पेरी कैप क्या होती है एपिकार्प क्या होती है देखिए ये फलों का बाहरी छिलका होता है क्या होता है फल जो होता है आपका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये क्या होता है आपका बाहरी छिलका होता है याद रखना और मैजोकार्प क्या होता है मेजोकार्प आपका होता है मिडिल वाली लेयर होती है मतलब बीच वाली जो पता वो होती है सतह बोलते हैं ना आप उसको वो होता है और आपका एंडोकार्पिक क्या होता है जो अंत फली फल भीति होता है आपका वो क्या होता है आपका ये जो सीड से चारों तरफ से घिरा रहता है वो आपका एंडोकार्प होता है पार्थिनोकार्पिक क्या होता है ये वो होता है जिसमें क्या आपको सीड नहीं देखने को मिलता है अब पार्थिनो कॉर्पिक आपको कैसे देखने को मिलेगा आपको केले में कभी सीड देखने को मिला है इसे हम क्या बोलते हैं अनिश्चय फलन हम कहते हैं अनिश्चय फल कह सकते हैं अनिश्चय फलन कह सकते हैं हम दोनों ही कह सकते हैं तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम बात करें इनकी तो देखिए इनमें क्या होता है सीड नहीं होता है बिल्कुल आपको सीड नहीं देखने को मिलता होगा याद रखिए केले में आपको सीड देखने के लिए मिलता नहीं अगर आप टमाटर में भी देखेंगे तो क्या होता है ये सीड्स मतलब लिटिल बिट बहुत ही कम आपको देखने के लिए मतलब ना के बराबर ही होते हैं बेसिकली जो आज के टाइम पे पपाया आ रहा है ना पपाया जो पपीता होते हैं उनमें भी बहुत ही कम आपको सीड देखने के लिए मिलते हैं ये भी आपको याद रखना है जिसमें क्या होते हैं बीड नहीं रहते हैं सॉरी सीड मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है ये आपको याद रखना होता है याद रखिए वाटरमेलन ओके अब हम आगे चलते हैं देखिए लार्जेस्ट मैंगो अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट मैंगो कौन सा होता है तो आपको क्या बताना है मैंगो बताना है अकॉर्डिंग टू एन होता है टी क्या है ये है, ये अकॉर्डिंग टू है है आपको पॉइंट याद रखना लेकिन सबसे बड़ा फल ये नहीं होता है ये होता है सबसे बड़ा मैं कोकोनट होता है ये आप याद रख लीजिए ये मुझे जस्ट अभी अभी याद आया पढ़ाने के टाइम सबसे बड़ा जो होता है लार्जेस्ट सीड किसका होता है मैंगो मैंडिव कोकोनट का होता है और स्मॉलेस्ट सीड क्या है आपका कमिंस होता है आपका जीरा ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है दोनों ये आपको याद रखना है वहीं अगर आप स्मॉलेस्ट सीड देखेंगे तो आपका क्या होता है ऑर्चिड का होता है किसका होता है मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ऑर्चिड को याद रखेगा ये क्या होता है आपका ऑर्चिड होता है ओके okay. अब कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज क्या क्या प्रोड्यूस करती है देखिए ये चीज तो आपको समझ में आ जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझ में आ जाएगी इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया है मैंने जो बहुत ही ज्यादा मतलब नाइनटी नाइन परसेंट नाइनटी एट नाइनटी एट परसेंट मैंने क्या किया कन्वर्ट किया अब ये चीजें तो आपको आराम से समझ में आएगी देखिए यूरोपियन तो आपको समझ में आ जाएगा यूरोप होता है कैबेज माने पत्ता गोभी पी माने मटर टमाटर तो पी और पत्ता गोभी और पत्ता गोभी कहाँ से आई है यूरोप से आई है जो टमाटर पटेटो चिलीज जो पटेटो सबसे ज्यादा इंडियन वाले खाते हैं याद रखिए जो शुगर मतलब मैं एग्जांपल बता रहा शुगर और पटेटो सबसे ज्यादा इंडिया वाले खाते हैं चिलीज ये कहाँ से आई है आपकी साउथ अमेरिका से आई है याद रखिये शुगर इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है ये आपको याद रखना है लेडी फिंगर और कॉफी क्या है आपकी अफ्रीका से आई है स्पिनच रेडिश बनाना ऑरेंज और मैंगो ये सब आपका इंडिया से आया है मतलब इंडिया सबसे ज्यादा इसको क्या करता है प्रोड्यू उगाता है ये आपको याद रखना है अब कुछ इं, इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखिए आपका पिचर होता है और नेपथिन होता है ये कौन कौन से आपके प्लांट होते हैं ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी देखिए पिक्चर आपको ये प्लांट देखने को मिल रहा होगा देख रहा है आप इसको आप कैसे याद रख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ अगर आपके दिमाग में याद नहीं आता है तो मैं आपको इसके ट्रिक भी बताऊंगा देखिए पिक्चर को मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूं तो देखिए पिक्चर को मैं कैसे लिखता हूं ये आपको याद रखना है एक एक चीज आपको नहीं लिखा होगा तो मैं उसको लिख के आपको दूंगा आपको ये याद रखना है बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आखिरकार कैसा रहा वीडियो ये कैसा लगा आपको ठीक है तो देखिए आपको पिक्चर यहाँ पे ये क्या होगा है का पौधा होता है देखिए आपने एक मूवी देखी होगी आइसेज आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड की एक मूवी है तो उसमें एक ग्लहरी रहती है ग्लैरी रहती है जो गाना सुनती है बहुत ज्यादा वो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है पूरी मूवी उसी के बेसिस पे चलती रहती है मेरे ख्याल से तो वैसे ही बिल्कुल क्या होता है पिक्चर होता है ये क्या होता है आपको पिक्चर होता है और पिक्चर सबसे ज्यादा आपको कहाँ पाया जाने को देखने के मिलता है ये आपको मेघालय अफ्रीका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है याद रखिएगा मैं अभी हिंदी में भी आपको बता दूंगा ठीक है मत करिए स्टूडेंट्स अब वेलक्रो प्लांट कैसा होता है यह आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा कि क्या होता है जेसिस के पास इंसेक्ट इन सबके पास इंसेक्ट जाएगा ये क्या करेगा उसको अपने अंदर एकदम दबा लेंगे एकदम क्या होगा पखा लेते हैं इसको अगर आप इसको क्लोज कर देंगे इसको अगर आप क्लोज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता देखिए बड़े ध्यान से जो आपका बुमरैंग होता है बुमरेंग जो आप फेंक के खेलते हैं बिल्कुल ये उस तरीके का दिखता है तो अब वेलकरो प्लांट इस तरीके से याद रखिएगा मतलब वो बुमर तरीके से दिखता है और पिक्चर को मैंने कैसे बताया है? जो आपकी आईसीएच की जो मूवी होती है ना उस तरीके से मैंने थोड़ा को रिलेट करके चल रहा हूँ कि अगर आप इनकेस भूल जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा अब वेलकरो प्लांट की आखिरकार खासियत क्या देखिए जो जॉर्ज मैंडल थे ना उन्होंने क्या की के पे एक बार उनको कुछ दिख गया था तो उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या बताया सैंडल्स जो होती है ना जो आपके जो बैग्स होते हैं वो चिपक जाते हैं किसी चीज से तो वो यही होता है आपका वेलकेर होता है अब ड्रॉ सेहरा क्या होता है देखिए ड्रॉ सेहरा आपको कुछ इस तरीके का बेसिकली देखने को मिलता होगा क्या होता है ये जो आपका इस तरीके का आपका ड्रॉ सेहरा आपको देखने के लिए मिलता है हिंदी में ही मैं लिख देता हूं इसको फिक्र मत करिए मैंने आगे भी लिख के चला है फिक्र मत करिएगा ये आपका रहा है तो ये क्या होता है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको ड्रॉ सेरा तरीके का यहाँ पे कुछ दिखता है याद रखिएगा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे बताइएगा ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इंस, आ, इंस, आ, आ, जो होता है आपका प्लांट होता है तो ये क्या होता है ये फोटोसिथिस दे परफॉर्म फोटोसिंथेसि टू द प्रोसेस देयर ओन फूड मतलब ये खुद अपनी एक प्रक्रिया से ये क्या बनाते हैं खाना बनाते हैं और क्या होता है ये नाइट्रोजन से क्या फुलफिल करते हैं जो इंसेक्ट को जो खाते हैं जब इनको सॉइल नहीं मिलता जो नाइट्रोजन होता है वो नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं जो सीड्स जो इंसेक्ट होते हैं ना उसको खाकर क्या करते हैं अपना नाइट्रोजन की पूरी पूर्ति करते हैं ये आपको याद रखना है ये इंसेक्ट को खाते हैं और उससे अपना नाइट्रोजन क्या होता है पूरा का पूरा बनाते हैं ये आपको याद रखना है तो इन्होंने हिंदी में भी ये चीजें लिख के रखी हैं अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती तो है तो बताइएगा देखिए हम एक बार पढ़ लेते हैं पिक्चर क्या होता आपका है आपका घपटी है, पौधा होता है वेल केरो क्या होता है आपका वीनस होता है ये आपको याद रखना है वीनस फ्लाई टेप होता है आपका क्या है मेरा फर्ज बनता है मैं एक टीचर होने के नाते आपको एक एक चीज़ आपको हिंदी में और सब में दो यह आपका ड्रॉ सेरा होता है यह आपको याद रखना अब पिक्चर प्लांट कहाँ मिलता? मिलता है आपको मेघालय अफ्रीका इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया इन सब जगह मिलता है क्वेश्चन आंसर्स भी मेरे हैं आखिरी में आपको फिक्र मत करिए क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे आपको फिक्र नहीं करना है अब आपको वेलकेरो एक प्लांट भी देखने के लिए मिल आप वेलकेरो का हम बात कर चुके हैं जो जॉर्ज मैंडल ने क्या बताया था डॉग के फूल बताया था एक बार वो कहीं घूमने जा रहे थे अब हम एनिमल्स पे आते हैं एनिमल्स देखें एनिमल्स क्या होता है जानवर होता है क्या होता है जानवर होता है आप अपने घर में कोई भी हरकत करेंगे तो आपके फादर क्या बोलेंगे जानवर आपको बोलेंगे मतलब उनके कहने का मतलब असली में वो नहीं है कि वो जानवर आपको कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मैन इज अ सोशल एनिमल है इंसान क्या है एक जानवर है आप पलट के कभी मत कह देना कि मैन इज अ सोशल एनिमल नहीं तो आपको असली में क्या जानवर मतलब, मतलब आपको असली में क्या होगा आपका फादर आपको जानवर ही बना देंगे फिर याद रखिएगा

फॉर्म होती है है आपको याद रखना है। इन्होंने मेट्रोलॉजी की बात की थी ये आपको याद रखना है। बहुत सारी बात कही थी लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं दिखे फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी कौन है एरिस्टोटल है अब जीवित जीव के पिता कौन है आपके ये फादर ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है कार्लियस लेनिन है कौन है कार्लियस लेनिन है ये चीजें आपको ये वन मार्क्स में डायरेट आपसे पूछ सकते हैं कि डायरेट बताइए ये, ये कौन होते हैं इनके फादर नॉमिक कल्चर के भी कार्लियस लेनिस आपको याद रखना है ओके इन दोनों के फादर सेम है अब आपको यहाँ पे मोनेरा दिख रहा होगा आपको प्रोस्टेटा दिख रहा होगा फंगस दिख रहा होगा एनिमेटा दिख रहा होगा प्लांटाई दिख रहा होगा वर्टिकल और वर्टिब्रेट्स ये सब दिख रहा होगा इनवर्टिबल और वर्टिब्रेड दिख रहे हैं तो इनको हम समझते हैं आखिरकार ये क्या होते हैं एक एक चीज से हम समझेंगे देखिये किसी को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा ओके okay? अब हम हम आगे चलते हैं देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, तो किस तरीके से हम इनको समझना चाहते हैं देखिए जो जानवर जो जानवर जंप नहीं कर पाता है वो कौन सा जानवर होता है आपका एलिफेंट होता है और जिसकी कोई वोकल कोड नहीं होती है वो क्या होता है आपका जिराफ होता है याद रखना है आपको अब अगर हम एट्रो एट्रोड्स और हेट्रोट्रॉप्स में अगर आते हैं तो देखिए क्या होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है याद रखने का पिक्चर्स मैंने आपको भरपूर दी हैं आपको फिक्र नहीं करना है एक एक चीज मैंने आपको एक एक चीज समझा रहा हूं देखिए क्या होता है यहां पे छोड़ देते हैं हम बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा एक मिनट रुक जाइए छोटे छोटे द्वारा समझते हैं that, that मतलब क्या होता है ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं क्या बना था ये खुद ही बनाते हैं जैसे कि आपको प्लांट हो गया ये क्या बनाता अपना खुद ही खाना बनाता है ये अपना खाना खुद ही बनाएगा लेकिन जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है वो क्या होता है होते हैं मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं जैसे इंसान क्या होता है दूसरे पे कभी कभी एग्जाम्पल डिपेंड होता है कि वो मेरा काम कर लेगा तो यही क्या वो मेरा काम कर लेगा मुझसे क्या होगा मैं उसको कुछ भी काम दे हूँ वो कर लेगा और मैं वो काम लेकर आ जाऊंगा तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है वो मैं वो तो खाना बना रहा मुझे क्या करना बस जाके खाना है कोई भी चीज वो सामने मतलब वो दूसरों के ऊपर डिपेंड

यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा ठीक है अब एक्सेप्शन आता है कौन सा एल आपका एक याद है ये जुगलीना आपको दिख रहा है जुगलीना ये एक एक्सेप्शन है क्यों एक्सेप्शन है देखिए ये जो पौधा है ये प्लांट और एनिमल दोनों के बीच में ये काम करता है मतलब ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से भी खाना बनाता है कभी कहा और नहीं भी बनाता है ये मैं कहता हूँ पौधे एवं जंतु के क्या होता है पौधे एवं जंतु के बीच की कड़ी है मतलब ये कभी कभार क्या होता है जी जानवरों को भी खा के बना लेता है और क्या होता है और ये फोटोसिंथेसिस के भी द्वारा बना लेता है ये आपको याद रखना है एल युगलिना ओके अब हम अगर और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलता होगा देखिए अगर हम इन की अगर हम बात करें यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहे होंगे हेट्रोटॉप्स क्या है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं ट्रिक्स फ्रॉम अदर एक्सेप्शन में आपको बता चुका हूँ युगलिना एक क्या है एक्सेप्शन है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है फोटोसिंथिस क्या होती है जिसके द्वारा जो प्लांट है अपना क्या खाना बनाता है ये फोटोसिंथिस लेकिन युगलिना क्या होता है फूड प्रिपेयर एंड मेक अ लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट मतलब ये एक लिंक बनाता है जानवर और जंतु के बीच मतलब जानवर और पौधे के बीच में एक ये कड़ी बनाता है ये आपको याद रखना है ये बेसिकली कौन सा है ये आपका यूनि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है आपका यूनि सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ये एक आपका अपवाद कह सकते हैं एक्सेप्शन क्या होता है अपवाद होता है ये आपको याद रखना है अब हम इन अब हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, है फिर हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में जानेंगे और वर्टिब्रेट्स के बारे में जानेंगे देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे लायन हॉर्स डॉकिस बर्ड बहुत सारी चीज़ें लेकिन आखिरकार इनका शेल्टर कहाँ है कहाँ रहते हैं आखिरकार ये हमें ये जानना चाहिए तो लॉयन रहता है डेन में हॉर्स रहता है स्टेबल में शीप रहता है पेंस में डॉग और कोट रहते हैं कैनल्स में मैंने हिंदी में भी दिया है फिकन मत करिए फिकन मत करिएगा कभी ओके करिए रहता है कोप में क्रोकोडाइल रहता है वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है पिग रहता है स्टाइम में या फिर पेक्टसाइन में रहता है रैबिट बरो में रहता है आंट्स बरो में रहता है स्पाइडर वेब में रहता है और टर्माइट आपका जो ट्रक ट्री की जो आपकी ट्रंक होती है उसमें रहता है अर्थवर्म क्या होता है सॉइल में रहता है जो फर्टिलिटी आपकी बहुत अच्छे से करता है सॉइल की हनी बीज क्या होती है आपकी बीव में रहती है ये आपको याद रखना है यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है घोड़ा क्या होता है अस्तबल में रहता है ये मैंने एक एक चीज यहाँ पे लिख के रखी है ठीक है ये आपको यहाँ पे अस्तबल मिल जाएगा जो चूहा है वो कहाँ रहता है होल में रहता है मुर्गी कहाँ रहती है आपकी पेन में रहती है आपकी और जो लोमड़ी होती है वो डेन में रहती है शेर आपका गुफा में रहता है काउ आपका कहाँ रहता है आपका गौशाला में रहता है भैंस आपका कहाँ रहता है बाड़े में रहता है कैटल शेड में रहता है मकड़ी आपकी जाला बनाती है ये आपने तो बहुत अच्छे तरीके से देखा सांप बिल में रहता है चोटी क्या होती है आपकी जो चीटी होती है सॉरी में में रहती है, आपकी में रहती है है आपकी खरगोश आपका मांद, मांद में रहता है जो डॉग होता है वो कहा रहता है एक पालतू कुत्ता इसका निवास कहाँ पर होता है आपका कुत्ता घर होता है जिसको हम कैनाल कहते हैं बिल्ली आपकी पिंजरे में रहती है बिल्ली का आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए किसने प्रयोग किया था याद रखिएगा कौन सी कौन सा ये किसने किया था एक कैट के ऊपर प्रयोग ये आपको मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में करके एलिफेंट कहाँ रहता है जंगल में रहता है इसको आप घर में मत रखिएगा ओके? अब घर में भी रख अगर आप पालतू बनाकर अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करें ओके अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और हम इस पे चलते देखिए। ट्रेडिस्ट्रियल एनिमल, एनिमल होते हैं कुछ अरायल एनिमल्स होते हैं कुछ अंडरग्राउंड एनिमल्स होते हैं कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बहुत सारा पढ़ना है टाइम कम है पेपर कभी भी हो सकता है तो बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ेगा देखिए आप एक बार किसी चीज को भी अच्छे से पढ़िए लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए तो क्या होगा उससे आपका एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा और एग्जाम के बल्ले आप उसको रिवाइज करिएगा ओके तो इनको किस तरीके से हमने बांटा ऑन लैंड पे जो जमीन पे रहते हैं वो क्या होते हैं आपके काव होते हैं आपके बफेलो होते हैं आपके क्या होते हैं हॉर्स होते हैं ये जमीन पे रहते हैं याद रखिएगा। एरियल्स एनिमल्स क्या होते हैं जैसे कि जो क्या होते हैं एरबोरियल और एनियर एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन एयर ट्रीज, नेस्ट, मंकी। मतलब होते हवा में आपने देखा हो हवा में बहुत ज्यादा उड़ते हैं ये मंकी हुआ आपका बर्ड्स एक्सेट्रा हुआ, हुआ, एक हुआ। विभिन्न प्रकार के जानवर हम देखने को मिलते हैं जो स्थलीय जानवर होते हैं वो कहाँ होते हैं जमीन पे रहते हैं एरियल जो आपने देखे हैं कि क्या पेड़ हवा में उछल कूद करते ही रहते हैं ये क्या होते हैं आपके एरबोरियल होते हैं या फिर आपके एरियल एनिमल होते हैं अंडरग्राउंड वाटर क्या अंडरग्राउंड एनिमल क्या होते हैं जो क्या होते हैं जमीन के एकदम अंदर रहते हैं मतलब आपने देखा हो कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं ऐसा नहीं अंडरग्राउंड मीनस क्या होता है एकदम छुपा होना छुपा होना होता है ना बिल्कुल सही कहा ना मैंने जो बोलते हैं कि अंडरग्राउंड हो जाओ नहीं तो आपके पापा आपको आके मारेंगे कहीं छुप जाओ नहीं तो मम्मी मार सकती है डांट पड़ने वाली है तो अंडरग्राउंड कहते हैं ना तो उस टाइम के हम दुब भी हम भी दुबक के बैठे आते हैं तो उसमें कौन आता है आपके रेट आता है स्नेक आता है रैबिट आता है अर्थवर्म आता है स्कॉर्पियन आता है एक्विटिक क्या होता है जो पानी में रहते हैं अब पानी में कैसे रह सकते हैं देखिये क्रोकोडाइल जो होता है वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है लेकिन ये एक्वेटिक हम पानी की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा आपका जो होता है पानी में रहते कौन कौन क्रोकोडाइल फ्रॉग फिशेस ये होते हैं याद रखिएगा यहाँ पर मैं एंटर दबाना भूल गया था तो जलीय जानवर आपके कौन होते हैं जो पानी में रहते हैं जैसे मछलियाँ मेंढक मगरमच्छ आदि और अंडरग्राउंड क्या होंगे आपके सांप खरगोश केछुए बिच्छू कौन कौन से होंगे आपके ये सारे जानवर आपके होंगे याद रखिएगा अब बर्ड्स के भी हम शेल्टर जान लें क्योंकि बर्ड्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए इंडियन रॉबिन क्या होता है इंडियन रॉबिन अगर हम सबसे वाले पहले पॉइंट पे चलते हैं मेरे ख्याल से रुक जाइए एक मिनट शायद से मैंने एकदम छोटे छोटे ट्रिक्स में लिख के रखा तो आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जानना होगा और आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे एक मिनट रुक जाइए नहीं लिखा है चलिए ठीक है हमें वैसे ही पढ़ना होगा तो मैंने क्या उसको शॉर्ट फॉर्म तरीके से एकदम बनाया था तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ मैंने ट्रिक के बेसिस से बनाया था अगली वीडियो में आपको उसकी ट्रिक दे दूंगा तो एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए आपका इंडियन रॉबिन क्या होता है ये क्या होता है आपका जो नेस्ट बनाता है एकदम ऊपर बनाता है सबसे ऊपर किससे बनाता है सॉफ्ट टिक से बनाता है रूट से बनाता है वूल से बनाता है हेयर से बनाता है क्रो क्या करता है अपना जो नेस्ट बनाता है वो क्या बनाता है ट्री के ऊपर बनाता है कोयल क्या देखिए क्रो की खासियत क्या है ये क्या करती है ये जो होती है कोयल अपने अंडे कहाँ करती है के जो जो कौआ होता है उसके घोंसले में जाकर डाल देती है तो ये कोयल होती है बहुत चालाक होती है तो कौए की जाकर डाल देती है और कौआ क्या करता है फिर उन बच्चों को पालता है ये आपको याद रखना है किसके भी आप में कोयल के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है एंड पिजन क्या होते है दिस बर्ड यूजली मेक देयर नेस्ट नियर और इन द हाउस मतलब आपने देखा होगा आपके घर के पास बहुत सारे आपको छत्ते मतलब एकदम देखने को मिलते होंगे ना कि ये चिड़िया ने घोंसला बनाया घोंसले की बात कर रहा हूँ याद रखिएगा जो घोंसला बनाते हैं वो कौन बनाते हैं आपके स्पैरो और पिजन ही बनाते हैं आप कहीं भी देख लेंगे अपने अपने घर के आसपास क्या देखा होगा आपको एक घोंसला दिखता है तो वो स्पैरो और पिजन बनाते हैं

ये आपको याद रखना इट मेक्स इट ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री मतलब ये क्या होती है अपने जो तने पर होती है जो पेड़ का जो तना होता है ना उस पर अपना घोंसला बनाती है जो डव होती है ये क्या होता है डव का आपका एक सावन भी आता है तो एक जो क्या होता है कबूतर ये क्या होता है आपका नेस्ट अमंग ऑफ द कैक्टस प्लांट मतलब जो कैक्टस जो होता है ना उस पर ये क्या बनाता है अपना प्लांट बनाता है सनबर्ड जो होती है वो क्या बनाती है अपने जो हैंगिंग जो ब्रांच जो होती है ना जो भी शाखाएं होती है उस पर जो लटकती है उस उसपे अपना ये घोसला बनाता है और वीवर बर्ड जो मेल होता है ये अपना घोंसला बनाता है फीमेल बर्ड के लिए ताकि वो उसमें आके क्या दे सके एग दे सके और वर्टिब्रेट जो हमारा छोटा था हम उसको भी आगे कंप्लीट करेंगे फिक्र मत करिए अभी देखिए बर्थ कौन देते हैं डायरेक्ट जो वो मैमल्स देते हैं मैमल्स कौन कौन होते हैं देखिए जो टाइगर हुआ फॉक्स हुआ मंकी हुआ ये सब क्या देते हैं डायरेक्ट बच्चे देते हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको टोटाइज दिखेगा टोटाइज दिख रहा है ये आपके अंडे देते हैं तो यहाँ पर दो वे में आपको क्लासिफाई करने को आपको यहाँ पे देखेंगे एक जो अंडे देते हैं और एक जो अंडे नहीं देते हैं विदाउट हेयर और एनिमल्स बॉडी दे देव देखिए जिनके शरीर पे क्या होते हैं बाल होते हैं जिनके शरीर पे बाल होते हैं और क्या होते हैं वो क्या होते हैं कुछ अलग तरीके से दिखते हैं और जिनके शरीर पे बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखते हैं कैसे देखें अगर आप जबरा को ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा उन उनपे काली काली क्या होती है पट्टियां आपको दिखाई देती है वो अलग बिल्कुल दिखते हैं घोड़ों से अलग वहीं अगर आप एक कैट को देखेंगे और आप लेपार्ड के छोटे बच्चे को देखेंगे तो उनमें भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा ना तो बालों का डिफरेंस बहुत मायने रखता है आपको डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल को पहचानने में है ना अगर इन जिनमें बाल ही ना हो तो वो क्या होंगे एकदम सेम प्रजाति के होंगे अब एनिमल्स विथ हेयर ऑन देयर बॉडी मतलब जिनके क्या होते हैं कान होते हैं बाल होते हैं वो क्या होते हैं बर्थ देते हैं लेकिन जिनके कान नहीं होते हैं बाहर की तरफ वो क्या करते हैं अंडे देते हैं ये आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये पूछा जा चुका है एलिफेंट वो जानवर होता है याद रखिए जो क्या होता है बहुत ही ज्यादा अपने कानों का जो पंख होता है जैसे आपने पुराने जमाने में क्या देखा होगा कि महारानी जो राजा महाराजा होते थे इतने एकदम इतन पंखे करते थे ना साइड में खड़े होके जैसे कि अगर ये राजा है ये राजा है तो उसके बगल में दो लोग कोई खड़े होते थे कोई भी और वो पंखे हिलाया करते थे तो यही काम क्या करते हैं उसके ये करते हैं उसके कान करते हैं मतलब हवा फेंकते हैं उसको अच्छे तरीके से हवा देते हैं अब क्या होता है जो फीमेल जो एलिफेंट होती है ना उस ग्रुप की क्या होती है एकदम लीडर होती है अब एलिफेंट जो होते हैं ज्यादा देर के लिए रेस्ट नहीं करते हैं दो से चार घंटे ये सोते हैं जो सबसे जो छोटा बेबी होता है वो दो सौ किलो का होता है ये आपको याद रखना है और जो यहाँ पे क्या होता है कोई भी जैसे ही कोई भी अगर मेल एलिफेंट अगर चौदह से पंद्रह का हो जाता है साल का वो अपना ग्रुप छोड़ देता है एक एडल्ट एलिफेंट कितना खा सकता है सौ किलो खाता है एक दिन में ये आपको याद रखना हो दो से चार घंटे ही सोता है तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके फ्लैप जो होते हैं वो क्या देते हैं उसको मतलब हवा देते हैं ये आपको याद रखना है वो मड में बहुत ज़्यादा खेलते हैं क्यों खेलते हैं क्योंकि वो उनके लिए क्या होता है एक बॉडी लोशन होता है मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ ये कीचड़ में क्यों खेलते हैं कीचड़ में इसलिए खेलते हैं ताकि ये इनका किस तरीके से काम कर सके एकदम तो बॉडी लोशन होता है ना बॉडी लोशन उस तरीके से ये काम कर सकता है इसलिए वो खेलते हैं एग्जाम्पल के वे में कह रहा हूँ उनको ठंडक मिलती है लीडर क्या होती है जो लीडर होती है वो फीमेल होती है इस ग्रुप के दो से चार घंटा सोते हैं जो एक छोटा सा बेबी होता है वो दो सौ किलो का होता है और जैसी चौदह से पंद्रह साल का कोई भी मेल हुआ वो ग्रुप छोड़ देगा और सौ किलो तक का एक जो एडल्ट एलिफेंट है वो खा लेता है ये आपको याद रखना है मैं मड का आपको बता चुका हूं कि जो मड के बारे में क्या रखता हैं इनकी स्किन को ये ठंडा रखने में मदद करता है देखा कितनी ज्यादा ज्यादा दस से बारह फीमेल होती है और एक यंग वन होती है मतलब एक महिला होती है एक युवक एक युवा होती है याद रखेगा अब टाइगर के अगर हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो देखिये टाइगर क्या टाइगर बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करता है खाना कैसे करेगा? चालीस किलो तक का ये खाना खाता है मतलब और छह गुना तेज ये देख सकता है किसी भी इंसान का मतलब अगर आप किसी भी रोशनी को एक्स देख रहे हैं हम एक्स ही हमेशा लेते हैं मतलब आप समझिए कि आप किसी भी देखने की आपकी क्षमता कुछ गुना है एक गुना तो ये 6 गुना ज्यादा देख सकता कितना 6x ये गुना ज्यादा देख सकता है आपका कैमरा कहते हैं ना आप कैमरा किसी का समझ लीजिए x मेगापिक्सल है तो अगर ये कितना मेगापिक्सल होगा इसके आंखों का 6x मेगापिक्सल होगा ये हम कह सकते हैं ये आप याद रखिएगा इंसानों को अगर हम कंपैरेटिव करते हैं तो याद रखिएगा डिफरेंट कर सकता है पत्तियों की लीफ का और किसका जानवरों की किसकी आवाज आ रही है पत्तियां हिल रही है कि जानवर हिल रहे हैं याद रखेगा इसके कान डिफरेंट एरिया में क्या रहते हैं घूमते ही रहते हैं जिससे हम हमारे घूमते रहते हैं ना कि हम पढ़ने में जब कभी क्या चालाकी करते हैं अपने पेरेंट्स के तो क्या होता है अपने कान सतर्क रखते हैं कहीं हमारे पापा मम्मी तो नहीं आ रहे ऐसे वे में अब स्लॉथ क्या होता है ये देखिए बहुत ही शानदार किस तरीके से आराम कर रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करो मुझे मैं अभी जिंदा हूँ मुझे जी लेने दो इस कहने का मतलब है इसका देखिए गाना मुझे आता नहीं है थोड़ा बहुत तो आप समझ सकते हैं तो देखिए स्लॉथ क्या होता है स्लॉथ एक एनिमल होता है जो क्या होता है बियर की तरह दिखता है मतलब भालू की तरह दिखता है ये सत्रह घंटे सोता है और ये क्या करता है चालीस साल तक जीता है, और उसमें सिर्फ आठ बार ही जो होता है पेड़ बदलता समझिए ये एक पेड़ है तो ये आठ प्रकार के आठ पेड़ ही बदलेगा और 40 साल तक जिएगा और जिस पेड़ का ये चीज खाता है वो उसी पेड़ पर ये सोता है ये आपको याद रखना है ये आपको याद रखना मतलब आप क्या इस तरीके से रखता है मतलब क्या होता है चालीस साल में सिर्फ ये आठ बार ही नीचे उतरता है याद रखेगा ये याद रखना है क्योंकि जब ये नीचे उतरेगा तभी ये नया पेड़ पर आता है ये आप इस तरीके से याद रखते हैं सत्रह घंटे ये सोता है याद रखिएगा कभी आप एक दिन में सत्रह घंटे सोइएगा फिर आपको पता चलता है क्या आवाज़ आती है घर में से देखिएगा पापा मम्मी कितनी आवाजें करेंगी बेटा उठ जाओ पढ़ना है हाँ जिराफ क्या होता है जिराफ के बारे में आपको मैंने बताया था कि इसकी वोकल कोड नहीं होती है मतलब वोकल कोड नहीं होती है और मैंने एलिफेंट के बारे में क्या बताया था आपको कि ये जंप नहीं कर सकता है एलिफेंट ये मैंने आपको बताया था ओके किसी को कोई भी इश्यू होगा तो मुझे जरूर बताइएगा ओके ठीक है देखिए यहाँ पर अगर हम चलते हैं जिराफ जो होता है लार्जेस्ट मैमल है मतलब सबसे बड़ा है पांच मीटर की इसकी हाइट होती है दो घंटे ही ये सोता है पच्चीस साल तक ये जीता है मतलब सिर्फ ये पच्चीस साल तक ही जी पाता है ये आपको याद रखना है

बफेलू के क्या होते हैं शरीर पे क्या कीड़े होते हैं छोटे छोटे से तो ये क्या करता है बर्ड आता है और इस पे क्या करता है सवारी करता है क्या बोलता है ये बोलता है इससे कि मैं सवारी तभी करवाऊंगा कि अगर तुम ये मेरे जो शरीर पे कीड़े हैं इसको खा लोगे तो ये खाता है और फिर ये इसकी सवारी करता है आराम से दिन भर तो ये होते हैं एग्रेट बर्ड्स या आपको याद रखना है आर्बोरियल एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ चुका है जो पेड़ पर रहते हो प्राइमरी मतलब इनका प्राइमरी सोर्स क्या है पेड़ पे रहना और वहीं की लीव खाना होता है ये होता है याद रखिएगा वहीं पर ये सोते हैं खाते हैं जैसे मंकी हो गया आपका स्लॉद हो गया इस तरीके का मैं आपको कहने का होता डिकम्पोजर्स क्या होता है देखिये डिकम्पोज मतलब क्या होता है डीकम्पोज जब भी कोई बॉडी होती है वो क्या होती है आपके क्या गलने लगती है वो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं उसको अपने सॉइल में क्या होते हैं मिला देते हैं मिला देते हैं तो ये क्या होते हैं जैसे कि आपके फंगस होते हैं आपके इंसेक्ट्स होते हैं यही क्या होते हैं आपके डिकम्पोजर्स होते हैं तो बहुत ही तरीके से क्या होता है उसको सॉइल में एकदम अच्छे तरीके से घुला देते हैं मिला देते हैं अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर देते हैं ये मैं कहना चाहता हूँ ओके तो ये आपके डिकम्पोजर्स होते हैं ये आपको याद रखना है हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा फिक्र मत करिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं देखिए अब आपके क्या है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो उसको क्या होता है आपको एनर्जी मिलती है जो कि हम हाँ क्या बोलते हैं कि ये शुगर से आपको बहुत ज्यादा मिलती है ये आपको याद रखना है क्यों किसी भी वर्क को करने के लिए क्या होना चाहिए हमें कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी होनी चाहिए अगर हम ही नहीं लेंगे तो हमें हर में एनर्जी कहाँ से आएगी तो हमें बेसिकली एनर्जी कहाँ से मिलती है पटेटो से मिलती है आलू जो सबसे ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं ब्रेड राइस चावल बहुत ज्यादा पसंद है मतलब रोटी से भी ज्यादा बहुत लोगों को चावल बहुत पसंद है किसी को रोटी पसंद है तो इससे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है बढ़ता है लेकिन काब्ज भी क्या होता है हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है किसी कार्य को करने के लिए हमारे में एनर्जी होनी चाहिए तो एनर्जी के दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं देखिए हिंदी में ही मैं बता देता हूँ तो एनर्जी के ज्यादा दो पॉइंट होते हैं देखिए आपकी कहीं से भी एनर्जी कहाँ से आएगी आपको एनर्जी कहाँ से आती है आपकी कार्बोहाइड्रेट से आती है फर्स्ट फिर दूसरा आपका कहाँ से आता है फैट से आता है तो इन दो चीज़ से सबसे ज्यादा आपकी क्या आती है ऊर्जा आती है यह आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट और फिर उसके बाद फैट से आती है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है आलू रोटी चावल इन सबसे मिलता है और चीनी जो होती है कार्बोहाइड्रेट ये सब का स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ प्रोटीन जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है क्यों देखिये एग्जाम्पल के तौर पर जो बच्चा शुरू में प्रोटीन नहीं खाता है बड़ा होता है वो समझिए ऐसा है वो बच्चा बहुत पतला है बहुत ही ज्यादा पतला है अब उसने बचपन में प्रोटीन नहीं खाया अब वो जिम जाएगा फिर क्या लेगा ऐसे वाले पाउडर लेता है लेता है ऐसे वाले पाउडर तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं इसलिए बेटा शुरू से प्रोटीन खाओ नहीं तो इसकी आपको आदत लग जाएगी बड़े हो तो आप इसकी जिद करोगे तो प्रोटीन क्या होता है हमारे क्या होता है जो वॉर्म जब भी भी हमें कहीं चोट लग जाती है है तो उसको भी वो रिपेयर करता हमारी ग्रोथ को बहुत अच्छी तरीके से मेनटेन करके रखता है बॉडी बिल्डर होता है हमारी बॉडी एकदम मेंटेन रहती है ये आपको याद रखना तो प्रोटीन की हमें लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है जिसके वजह से क्या होता है हम किसी भी कार्य को कार्य करने में आवश्यक होते हैं बड़ी बड़ी मात्रा में हम उस कार्य को कर सकते हैं ये या आपको याद रखना है ताकि जो हो सके हमारा कार्य हो सके वो अच्छे तरीके से काम कर सके और हमें क्या बुद्धिमान हो सके हम अच्छे तरीके से फैट क्या होता है देखिए फैट भी हमारे लिए ये क्या सेकंड सोर्स इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी के लिए मतलब आपकी ऊर्जा के लिए ये दूसरा स्रोत बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अभी बड़ा होगा छोटा होगा मुझे इतना याद नहीं है अभी तब भी मैं आपको बता रहा हूँ देखिए ध्यान से सुनिए फैट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए इसमें भी क्या होता है कंटेंट होता है आपका फैट बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मोटा नहीं होना ऐसा नहीं होना वैसा नहीं होना लेकिन फैट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एनर्जी देता है बहुत अच्छे तरीके से अब ये आपको गर्म रखता है जैसे कि आपको बियर दिखता होगा जो आपको पोलर बियर होता है पोलर बियर होता है जो आपको आर्टिक ओशियन पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मिलता है आर्टिक ओशियन पोलर रीजन पे जो होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है पोलर रीजन पे क्या होता है ये क्या होता है जब ये इनका जो शरीर होता है, बहुत गरम होता है है बहुत तो ये क्या होता है वार्म रखता है इनको याद रखिएगा और इसी से क्या होता है आपकी बॉडी भी भी जो होती है, क्या होती होती है 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 क्या वार्म फैट फैट तो इसलिए नेसेसरी आपके लिए विटामिन क्या होता है विटामिन ए होता है विटामिन बी नाइन होता है विटामिन बी ट्वेल्व होता है सी होता है डी होता है ई e होता है के होता है ये आपको याद रखना विटामिन हमारे डिसीज से हमें बहुत अच्छे तरीके से लड़ने के लिए मदद करता है ताकि हम जो डिसीज है उससे अच्छी तरीके से लड़ सके हमारा इम्यून सिस्टम देखिए स्टूडेंट्स जो भी सर मैम आप मेरा वीडियो देख रहे हो आप अभी के दौर में तो अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रखिए बहुत अच्छे से अच्छा खाना खाइए ताकि क्या हो आपको हेल्थ का कोई इशू ना हो अभी सबको बहुत पेंडेमिक इशू चल रहा है तो आप क्या करिए बहुत अच्छे तरीके से खाना खाइए खाना खाने से क्या होगा आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा अच्छा खाना खाइए ज़्यादा फैटी भी नहीं ज़्यादा ऑयली भी नहीं ओके तो अच्छा खाना खाइए जिससे कि आपके अच्छी से अच्छी क्या हो सके आपकी हेल्थ बनी रहे प्रोटीन लीजिए आप कार्ब्स लीजिए फैट लीजिए लेकिन एक इक्वल एक ऑफ अमाउंट में लीजिए मतलब एक अच्छे से मात्रा में लीजिए ऐसा नहीं किसी चीज़ को आप ज़्यादा ले रहे हैं बराबर लिए और वाटर जितना हो सके कंज्यूम करिए और सुबह उठ के जितना हो सके आप पानी गर्म पानी पीजिए ओके ठीक है देखिये विटामिन ए क्या होता है जो आपके आई नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है आपको आँखें का दिखना कम हो जाता है ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल मत चलाया करिए सभी लोग बता रहा हूँ मैं तो देखिए हर टीचर बोलता है बाकी तो स्टूडेंट्स होते हैं वो मानना है कि नहीं मानना है बी नाइन क्या होता है जो आपके निर्वर जो टिश्यू हो जाते हैं ट्यूब्स होते हैं टिश्यूज हो जाते हैं उनमें क्या, है। क्या होता है अफेक्ट करता है बी ट्वेल्व क्या होता है आपका जो प्रोवाइड होता है जो किडनी में होता है आपका लीवर डिसऑर्डर होता है विटामिन सी क्या होता है आपको जो कैंसर कॉमन कोल्ड इन सबसे क्या आपको ये होता है विटामिन डी क्या होता है जो आपके टूथ थ्री डी के मतलब आपके दांत क्या हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं आपके डायबिटीज आपको रिकेट्स ये सब क्या होता है आपका विटामिन डी होता है विटामिन ई e आपका इंप्रूव करता है क्या आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छी तरीके से इंप्रूव करता है ये आपको याद रखना अगर आप अच्छी तरीके से कंज्यूम करते हैं तो और के क्या करता है आपका जो पेन होता है इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको अगर अच्छी तरीके से इंटेक करेंगे तो कम होता है मतलब बेसिकली क्या अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से लेंगे कंज्यूम करेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होती लेकिन अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये सारी बीमारी होने लगेगी आपको ये याद रखना है विटामिन इसलिए मैंने कहा है कि आपको जो डिसीज होता है उससे लड़ने में मदद करता है आपकी जो टीथ आपकी बोन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको मदद रखता है चलिए हम अब आगे आते हैं कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए आपका याद रखेगा नहीं तो आपको आगे चल के इन पर क्या होगा जोर करना पड़ेगा याद रखेगा वाटर एंड रफे मतलब वाटर वो चीज होती है जो हमें डेली हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है क्यों होती है आप खाना खाते हैं सभी लोग खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी मदद होती है आपकी बॉडी क्लीन होती है मतलब कहते हैं ना पानी ज़्यादा पियो तो आपकी स्किन ग्लो करती है अच्छे से दिखती है अच्छी दिखती है। तो खाने को भी क्या करती है जो आपकी न्यूट्रिशन होती है उसको ट्रांसफर करती है डिफरेंट मतलब अच्छे तरीके से उसको क्या करती है ब्रेक करती है मतलब टुकड़ों में कर देती है ताकि क्या हो सके आपका जो खाना है अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके ये आपको याद रखना है हिंदी में भी लिखा होगा मैंने ऐसा नहीं है मैं हर एक चीज़ को हिंदी में भी लिख रहा हूँ बहुत ही कम चीज़ छोटी होगी बहुत ही कम तो ये क्या होता है पान जो होता है फाइबर आहार फाइबर और पानी भोजन की मात्रा में मदद करने के लिए शरीर साफ पानी रखने के लिए आवश्यक है पोषक त्वर स्वतंत्र और मदद करने की शारीरिक मतलब क्या होता है कि आपको जो होता है पानी अगर आप लेंगे तो आपको शरीर का जो हो सकता सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से होगा आपका स्किन अच्छा रहेगा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो अच्छा रहेगा आपका खान पान अच्छा रहेगा लेकिन खाते समय पानी का ज़्यादा इंटेक मत करा कराए खाने से पहले आप क्या करें उसको आधा घंटा पहले पानी पिए और खाने के आधा घंटा बाद पानी पिए ओके अब मिनरल्स क्या होते हैं देखिए कैल्शियम आपको होता है बॉडी को आपको क्या चाहिए कैल्शियम चाहिए कैल्शियम जैसे कि आपकी आयरन हो गए आपका आयोडीन हो गया प्रोटीन हो गया ये सब क्या होता है आपकी बॉडी को क्या मेंटेन करके रखता है इससे क्या होता है हमारा शरीर जो होता तो है उसकी हड्डियाँ क्या होती है मजबूत होती है मिनरल से दांतों को भी क्या स्ट्रोंग बनाने में ये क्या रखता है मदद करता है स्ट्रोंग हो रहा है और क्या होता है कैल्शियम सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलता है दूध आपके जो भी दूध से चीज बनते हैं पनीर आपका बनता है पनीर इन सब में क्या होता है बहुत ही ज्यादा कैल्शियम होता है आयरन भी जो होता है खनिज में बहुत ज्यादा पाया जाता है जैसे कि आपका रेड मीट हो गया लाल मांस हो गया और हरी पत्ती की जो वेजिटेबल्स हो गई उससे बहुत ज्यादा आपको मिलता है याद रखिएगा अब स्टेग्नेंट वाटर डिशीज पे चलते हैं तो देखिए क्या है मालूम है अभी मेरा इनवर्टिवेट्स और वर्टिवेट छोटा है मैं उसको अभी आगे चल के कंप्लीट करूंगा फिक्र मत करिए देखिए आपने वाटर डिसीज देखी होगी देखिए आप जो अपने कूलर चलाते हैं या आप अपने घर के बाहर कूलर रखते हैं मोस्ट प्रोबली बहुत सारे लोग घर के बाहर रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है अगर आप पानी को मतलब पानी को बार बार, बार चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा देखिए पानी को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा वो पानी एकदम खराब हो जाएगा उससे क्या होगा आपको मलेरिया की डिसीज होगी मलेरिया की डिसीज से क्या होगा आप हॉस्पिटल जाएंगे हॉस्पिटल से क्या होगा आपको एक पर्ची देगा पर्ची में क्या होगा आपके बिल होगा बिल से क्या होगा हो आपको दुख होगा तो इससे अच्छा क्या तरीका है कि आप अपना पानी साफ रखिए अब अगर आपका पानी खराब है तो क्या आपको मलेरिया होने की दिक्कत हो सकती है देखिए क्या होगा

और जो एग होते हैं उसको आती है और खा के चली जाती है ये आपको याद रखना है हिंदी मैंने ये पूरा लिख के रखा है फिक्र मत करिए अच्छे से मैं एक एक चीज कंटेंट बनाया बहुत बड़ी मेहनत लगी मेरा इसमें बनाने के लिए तो शेयर आप लोग जरूर करिएगा बहुत टाइम लगा मेरे को कुछ 200 पेज की स्लाइड्स हैं 200 से 300 पेज के स्लाइड है दो सौ पेज की स्लाइड्स हैं बहुत मेहनत से बनाई है मैंने क्या है सभी स्टूडेंट को मेरे को कंटेंट देना है मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखे किसी ने भी इतना कंटेंट नहीं दिया किसी ने इंग्लिश में दिया किसी ने हिंदी में दिया किसी ने मिक्स नहीं दिया तो मैंने ही सोचा कि क्यों मैं ही क्यों ना आगे बढ़ के चलूँ और मैं आपको कंटेंट पूरा दूँ तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा तो डेंजर्स की देखें मलेरिया हो सकता है आपको डेंगू हो सकता है आपको और ये सब किससे होता है आपको एनाफिल मॉस्किटो से होता है जो मैंने यहाँ पे भी लिखा होगा मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा होगा नहीं तो हाँ ये लिखा है मैंने पूरा जब भी तो सोच मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी है चीज तो मैंने हर एक चीज करी है तो एनाफिल मॉस्टो से भी ये आपको होता है ये आपको याद रखना तो पानी को आप साफ करके रखिए तो पानी को साफ करके क्या रखेंगे तो एक तो आपका एनवाट भी अच्छा रहेगा तो तो अच्छा रहे कोई डिसीज भी नहीं होगी आपको याद रखिएगा वाटर क्या होता है अब हमें ये देखना है तो देखिए वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए क्यों लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में अगर जो हम कहते हैं कि ब्लू प्लैनेट ब्लू प्लानट हमारा जो अर्थ है वो क्या है एक ब्लू प्लानट है याद रखना है आप पानी से है मतलब पानी से 70 परसेंट ऑफ वाटर जो है वो पानी से है इंडिया अब ये किस, -किस के लिए असेंशियल है मनुष्य जानवर पौधे इन सब के लिए असेंशियल है कम से कम मिनिमम तीन लीटर पानी तो आपको पीना ही है एक दिन में याद रखिए ताकि आपका जो भोजन हो उसकी प्रक्रिया में ये आपको एकदम अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सके ये आपको याद रखना है जो हमारा अर्थ है वो सेवेंटी वन परसेंट वाटर से घिरा हुआ है ये आपको याद रखना है इसी की वजह से क्या होता है हमें ब्लू कलर दिखाई देता है और नाइनटी सेवन परसेंट ऑफ वाटर क्या है आपका प्रेजेंट है ओशन में अब हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं हमारे जो हमें वाटर का पढ़ना है तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक चीज़ देखिए अर्थ जो है सेवनटी वन परसेंट ऑफ वाटर है क्या है सेवनटी वन परसेंट जो वाटर है वो आपको देखेगा और उनतीस परसेंट आपको क्या देखेगा लैंड पे देखेगा ये आपको याद रखना उनतीस आपका लैंड है और वॉटर कितना है आपका सेवेंटी है अर्थ का मतलब सेवेंटी जो आपका अर्थ है मैं डायग्राम के बेसिस पे अगर आपको बताऊँ ये आपका अर्थ है तो समझ लीजिए कि सेवेंटी परसेंट आपका वन कितना है आपका वाटर है और ट्वेंटी क्या है आपका सिर्फ लैंड है याद रखिएगा ठीक है अब इसमें जो हंड्रेड परसेंट में है ये जो पानी अगर हम हंड्रेड परसेंट मान लें तो उसमें भी नाइन्टी सेवन परसेंट क्या है आपका ओशियन का है मतलब खारा पानी है आपका क्या है ये नमकीन वाला पानी है दो परसेंट क्या है आपका जमा हुआ पानी मतलब क्या है फ्रीज है ये आपका क्या है यहाँ पर आपको फ्रोजन दिख रहा है अगर इस पानी में अगर आपने छेड़ा खाने की तो मालूम क्या होगा आपको ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग से ये होगा कि जो पानी है ओशन का वो समुद्र में आ जाएगा समुद्र में वरना नदी में आ जाएगा नदी में आ जाएगा तो वो भी क्या उसकी सेलिनिटी बढ़ जाएगी सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा एक तो पानी की लेवल बढ़ जाएगी तो जो तटीय इलाकों पे जो लोग रह रहे होंगे मतलब अगर हम इंडिया का मैप ही देख देखते समझ लीजिए इंडिया का मैप तो तटीय इलाके पे जो लोग रह रहे होंगे वो क्या करेंगे अब बीच में आके रहेंगे तो यहाँ पे क्या पॉपुलेशन बढ़ी जाएगी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ये भी एक क्या खराब इफेक्ट हुआ खराब इफेक्ट हुआ इकनॉमी धराशायी हो जाएगी तो हमें क्या करना है इसको बिल्कुल भी छेड़ाखानी नहीं करनी है फ्रोजन पानी पे ये आपको याद रखना एक परसेंट ही सिर्फ फ्रेश वाटर है वो किसके वजह से जो आपका नदी या फिर रेनफॉल के वजह से है याद रखेगा तो इतने ही पानी को क्या हम कंज्यूम कर सकते हैं इनटेक कर सकते हैं तो आपका क्या फर्ज बनता है देखिए पानी को उपयोग करें मना नहीं है लेकिन उतना करें जितना सब लोग कर सके ना आपकी आने वाली जनरेशन भी कर सके तो पानी को लिमिटेड यूज करें पानी पिए नहाए सब कुछ करें लेकिन पानी वेस्ट ना करें कि आप ब्रश कर रहे हो पानी चल रहा हो नहा रहे हो आप नहा रहे हो पानी फालतू में चल रहा हो मतलब कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब पानी फालतू में नहीं करना है ओके याद रखिएगा मेरा जोग्राफी सब्जेक्ट है तो मैं अपने अनवायरमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ये आप समझ सकते हैं देखिए हर कोई अपने अनवायरमेंट से मैं जोग्राफी का स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा ही लगाव है मुझे अपने अनवायरमेंट से गंदगी क्या मुझे पसंद नहीं है मतलब इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ तो समझिए तीन फॉर्म्स ऑफ वाटर वाटर होते हैं पानी कौन कौन से होते हैं देखिए आप क्या करिए ये समझिए आइस लिक्विड और गैस होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं आपको कुछ नहीं करना है आप गैस जलाइए ठीक है ये आपका ये आपका गैस है इसके ऊपर आपका एक बाउल रखा है उसमें अंदर आपका क्या है आइस है अब आप गैस ऑन कर दीजिए अब आपने गैस ऑन करी तो क्या होगा गैस ऑन करने से ये आइस क्या होगा मेल्ट होगा मेल्ट होने में क्या होगा लिक्विड हो जाएगा फर्स्ट प्रोसेस क्या लिक्विड हो, हो जाएगी आपने इसको और क्या इसको और करने दिया मतलब लिक्विड को भी आपने उबलने दिया तो क्या होगा अब ये गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा हवा में उड़ जाएगा जाएगाट हो जाएगा तो ये क्या होता है आपका गैस फॉर्म गैस फॉर्म होता है ये आपको याद रखना है आप आइस को क्या कन्वर्ट होगा लिक्विड में होगा लिक्विड आपका गैस में होता है किस में होगा आइस आइस में होगा आपका गैस में होगा ये याद रखिएगा ये या आपको याद रखना है ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए ठीक है कैनाल क्या होता है ये हम जान लेते हैं देखिए कैनाल को अगर हम जान तो देखिए ये क्या है आपका एक कैनाल है मतलब जो चारों जगह से ढका रहता है चारों जगह से ये घिरा रहता है ये चारों जगह से घिरा रहेगा अब इससे क्या होता है आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं एक सामान दूसरी जगह ले आ जाता है जो आपका एग्रीकल्चर होता है उसमें इरिगेशन के लिए भी आता है पानी दे दो भैया सिंचाई के लिए आ जाएगा आपका ड्रेनेज सिस्टम में आ जाएगा जहाँ पानी कहीं भी रुक जाए कहाँ पर आपका आपका सीवेज प्रॉब्लम आता है तो ये पानी को अच्छी तरीके से फ्लो कर देगा अब वाटर को खराब कौन कर रहा है ये हमें देखना देखिए इंडस्ट्री कर रही है फैक्ट्रीज हो रही है देखिए उड़ीसा में जाएंगे आप तो जो तटीय किनारे होता है बेसिकली वहां पे क्या करते हैं जो कोस्टल एरिया होता है जब आप इंडिया का कोई भी कर, इंडिया का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया ये आपका ईस्टर्न घाट होता है तटीय की बात कर रहा हूं मैं तटीय की देखिए तटीय में अगर जाएंगे आप तो यहीं पर ही सबसे ज्यादा क्या होता है बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं क्यों वाटर का ये अच्छे तरीके से यूज कर सके इलेक्ट्रिक के लिए अब जब ये यूज तो कर लेते हैं जो उनका वेस्टेज होता है ये पानी में फैला देते हैं तो पानी में जब अपने वेस्टेज कर देते हैं, क्या होता है पानी पॉल्यूट हो जाता है आपने देखा है गार्बेज जो इंसान सबसे ज्यादा करता है कहीं भी खा के कुछ भी फेंक देता है तो उसका क्या पानी का रुकाव रुक जाता है तो उसके वाटर अनक्लियर होता है इससे हमें डिसीज बहुत सारी होती है स्टोमेटा इन्फेक्शन होता है चिकन पॉक्स होता है मलेरिया होता है टाइफॉइड होता है पानी एक फिटकरी में उपयोग किया जाता है ये आपको याद रखना है देखिये वाटर बॉडीज क्या होती है अब हम ये जान लेते हैं वाटर बॉडीज दो प्रकार की होती है एक आपकी हिंदी में भी लिखा है मैंने फिक्र मत करिए सेकंड में देख लो हिंदी में कहाँ चला गया आगे लिखा होगा आपको एक एक चीज मिल जाएगी फिक्र आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं देखिए आपको एक ओपन बॉडी दिखेगी एक आपको क्लोज बॉडी दिखेगी ओपन बॉडी वो होती है जहाँ से आपका पानी एग्जिस्ट हो सके मतलब पानी यहाँ से निकल जाए मतलब आपका ओशियन हो गया आपका रिवर हो गया आपका सी हो गया ये कहीं ना कहीं से क्या एक एग्जिट पॉइंट है जैसे आपका घर का एग्जिट पॉइंट क्या आपका गेट है मेन गेट हो गया अब जेल क्या हो गया मतलब एक एग्जाम्पल ही मतलब नहीं निकल सकते हैं तो जो लेक होता है ये क्या होता है आपका लेक हो गया पॉन्ड हो गया ये सब क्या हो गया आपका क्लोज बॉडी चारों तरफ से घिरा हुआ है इसका पानी का एग्जिट पॉइंट कोई सा नहीं है अब आपको यहां पे क्या ध्यान देना है यह ध्यान दीजिए देखिए एक मिनट ये सबको रब कर दू मैं देखिए अगर आप यहां देखेंगे सिंगल ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर अगर आप देखें तो ये समझिए सिंगल ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर जब ये बहुत सिंगल ऑफ ड्रॉप वाटर मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे अब इसकी स्ट्रीम बन जाएंगे अब स्ट्रीम कैसे बनेगी जब आपकी बहुत सारी स्ट्रीम बन जाएंगी तो ये आपकी नदी बन जाएगी याद रखें नदी बन जाएगी अब जब बहुत सारी नदी मिल जाएंगी जब क्या होगी बहुत सारी नदी मिल जाएंगी तो ये क्या बन जाएगी आपकी सी बन जाएगी और बहुत सारी जब सी मिल जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा आपका ओशियन बन जाता है ये आपको याद रखना है ये क्या आपका महासागर है आपका समंदर है यह आपकी नदी है यह मैंने एक एक चीज लिख दिया ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना क्या हो गया आपका झील और पौंड आपका तालाब हो गया ओके चलिए अब यह मैप आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए फिर यहां से हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जामिनेशन में बहुत सारे बार पूछे गए ये आपको कुछ सेवन कॉन्टिनेंट्स दिख रहे होंगे कितने हैं आपके टोटल्स कॉन्टिनेंट सेवन कॉन्टिनेंट हैं आपके और आपके फाइव ओशियंस हैं ये आपको याद रखना है ओके okay? किसी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ओके नीचे सबसे पहले आपका आता है नॉर्थ अमेरिका ये आपके कॉन्टिनेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक आपका एक और हो जाता है एक मिनट एक आपका ये हो गया एक आपका ये हो गया दो तीन चार पाँच आपका छ और आपका एक हो जाएगा यहाँ पर ये आपके टोटल सात क्या होते हैं आपके कॉन्टिनेंट होते हैं ये आपको याद रखना है ठीक है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब हम आगे चलते हैं देखिए ये आपका कॉन्टिनेंट है एशिया हो गया आपका अफ्रीका हो गया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्टिका हो गया यूरोप हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया तो मैं यहीं वही बताने जा रहा था तो ये आपके क्या होगा सात कॉन्टिनेंट हो गया, गया। यहाँ पर क्या होता है आपका एंटार्टिका आता है यहाँ पे क्या आता है आपका एंटार्टिका आता है तो टोटल कितने हो गए आपके सेवन कॉन्टिनेंट हो गए आपके ओशन कितने होते हैं देखिए ये आपका पैसिफिक ओशन है ये क्या है आपका पैसिफिक ओशन है यहाँ पे भी क्या है आपका पैसिफिक ओशन है अब इनमें आपको क्या याद रखना है देखिए पैसिफिक ओशन में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है ये एल शेप में होता है एल शेप में कैसा होगा देखिए ये सबसे लार्जेस्ट है ये क्या है सबसे लार्जेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है मतलब अगर आपको ग्लोब होता है जब आप उसको दो लोग घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल में बन जाएगा ये आपको याद रखना है ठीक है ये हो गया आपका सबसे बड़ा ये आपका क्या होता है आपका ओशियन होता है सबसे छोटा क्या होता है आपका आर्कटिक ओशियन होता है जो कि फिफ्थ नंबर पर आता है आपका अटलांटिक हो गया आपका हिंद महासागर हो गया ये क्या होते हैं आपके ओशियंस होते हैं ये आपको याद रखना है आपका आर्टिक हो गया सदन हो गया इंडियन हो गया अटलांटिक हो गया पैसिफिक हो गया टोटल पांच होते हैं देखिए पैसिफिक ये आपका सदन हो गया सदन ओशियन आपका हो गया ये आपका टोटल कितने हो गए पांच हो गए याद रखिएगा तो टोटल पांच ओशियंस होते हैं और पांच कितने होते हैं आपके सात कॉन्टिनेंट होते हैं याद रखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका अगर आप देखें तो ये एक कॉन्टिनेंट हो गया आपका दो तीन चार पाँच छ और अंटार्कटिका कह गया सात वहीं अगर आप ओशन की बात करेंगे तो एक ऑश्चन ये दूसरा ओशन ये तीसरा ओशन ये अगर ये बात सॉरी ये हो गया आपका तीसरा ऑप्शन चौथा और ये आपका हो गया पांचवा गलती से यहाँ पे लिखा गया मैंने साउथ ही पढ़ा गया ठीक है तो ये हो गया आपके टोटल कितना हो गया सात आपके कॉन्टिनेंट हो गए और पांच आपके ओशन हो गए ओके किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा ठीक है अब हम अगर मैप की बात करें तो हमें मैप में क्या पढ़ना देखिए हमें पढ़ना है ये ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये जो पैसिफिक क्वेश्चन दिख रहा है आपको पैसिफिक क्वेश्चन यहाँ ही पैसिफिक क्वेश्चन है इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं क्या कहते हैं रिंग ऑफ फायर कहते हैं क्यों कहते हैं आखिरकार हम इसे रिंग ऑफ फायर यहाँ पे क्या होता है बहुत ही ज्यादा वॉल्केनिज्म होता है बहुत ज्यादा वॉल्केनो आते हैं यहाँ पर अर्थ आते हैं ये आपको याद रखना है इसको नाम किसने दिया था फर्डिनेंड एक इंसान था उसने नाम याद ये दिया था पैसिफिक उसने कहा था कि ये बहुत ही पीसफुल है लेकिन ये कोई पीसफुल नहीं ये तो और ही ज्यादा खतरनाक है क्यों क्योंकि यहाँ पे पीस के लिए तो कुछ है ही नहीं ये तो पूरा क्या है ये तो वॉल्केनो यहाँ पर कर रहा है मतलब तो रेस्ट इन पीस कर देगा मतलब वर्केनो आ रहे हैं अर्थ क्वक आ रहे हैं ये सब आ रहे हैं ये क्या होता है पैसिफिक क्वेश्चन के कारण आ रहे हैं ये आपको याद रखना ओके अब आपको कुछ लेक भी याद रखनी है कि लेक कौन कौन सी होती है देखिए ये याद रखें आपका लेक बा हो गया कैस्पियन सी हो गया ये एस एस टी के पेपर टू के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर वन के लिए भी इसके लिए लेक ये हो गया ये हो गया डेड सी हो गया आपका ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इन सबको जरूर देखिएगा देखिए अब जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे आपको वो बताना है क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए आखिरकार यहाँ पे भी आपको ये मैप जरूर देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे आपको क्या देखना है एक मरीना ट्रेंस, 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 ट्रेंस देखना है आपको मरीना ट्रेंस देखना ट्रेंस देखना साउथ सैंडविच देखना है अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको पैसिफिक ओशियन सबसे तो कंटेन करता है वाटर 45 फाइव परसेंट ऑफ वाटर ये कंटेन करता है इंडियन ओशियन आपको कितना टोटल कंटेन करेगा ये करेगा कम से ये इंडियन होते जो एक ही मात्र इंडियन है जो कि क्या अपने कंट्री के नेम पर है एटलांटिक ओशियन क्या है अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप में अगर मैं आपको दिखाऊँ ओके तो ये एटलांटिक ओशियन कुछ इस तरीके से एस शेप्ड में है इंडियन ओशियन कुछ एम शेप्ड में है तो आपको इस तरीके से याद रखना है ठीक है इंडियन ओशियन क्या है एम शेप्ड में है मैं वही यहाँ पे भूल रहा था कुछ भूल रहा था तो ये क्या है आपका एम शेप्ड में भी है आपको ये याद रखना है

फिर टू रिको ट्रेंच कहां पर है आपका ये आपका आता है अटलांटिका अगर आप मैप में देखना चाहें तो ये आपका आ रहा है अटलांटिका मैं कहा लिख रहा हूं मैं भी तो मिनट ये आपका अटलांटिक आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है आपका पियर पियरटो मैंने एक एक चीज बता दी है ये टोटल कितना है आपका एट फाइव जीरो 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 मीटर है आपका याद रखेगा अब इंडियन ओशन में आपको कौन सा आ रहा है जो आपका इंडियन ओशन है यहाँ पर आपका आ रहा है सुडा जावा मतलब सुंडा भी है सुंडा करके आप कैसे याद रख सकते हैं सुंडी जो होता था हाउसफुल थ्री में हाउसफुल फोर में कोई याद नहीं आ रहा तो उस तरीके से आप याद रख सकते तो ये सुंडा है या फिर आपका जावा ट्रेंच होता है ये टोटल कितना है आपका सेवन फाइव जीरो जीरो आपका मीटर है ये आपको याद रखना और साउथ सैंडविच जो आपकी मैंने बात की थी सदर्न ओशन सदर्न ओशन की जब मैंने बात की थी तो यहाँ पर आपका क्या पड़ता है ये आपका पड़ता है साउथ सैंडविच ट्रेंच पड़ता है आपका ये टोटल कितना बड़ा है आपका फाइव वन जीरो जीरो मीटर है आपका और यूरेशियन आपका कहां है आर्कटिक में पड़ता है ये कहीं सबसे ऊपर यहाँ पर आपका यूरेशियन ये कितना है आपका फाइव फाइव जीरो जीरो आपका मीटर होता है ये आपको याद रखना ठीक है तो इतना मैं आपको बताना चाहता था अगर हम और आगे चलते हैं तो देखिए क्या है अगर आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका को देखेंगे तो ये सिस्टर ऑफ कॉन्टिनेंट है जैसे कि हम वीनस और अर्थ को बोलते हैं ना कि सिस्टर ऑफ प्लानट है बोलते हैं वैसे ही ये क्यों बोलते हैं देखिए कहाँ गया मैप ये दोनों को जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी तो इसमें ये बताया जा रहा है ये दोनों एक जैसे हैं अगर हम इसको चिप, मतलब चिपकाएंगे अगर हम सब सभी को तो ये क्या एक जैसे चिपक जाएंगे लेकिन ये दोनों एकदम क्या है आपके सिस्टर ऑफ कॉन्टिनेंट मतलब बहने हैं ये आपकी कॉन्टिनेंट ये आपको याद रखना है ठीक है ये आपको याद है ने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी याद रखिएगा आप उन्नीस है ठीक है अब आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया अफ्रीका को क्या बोला जाता आपका डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है और अंटार्कटिका को आपको बोला जाता सफेद महाद्वीप बोला जाता है मरीना ट्रेंस टोटल कितना बड़ा है 1102 मीटर का पियोटो आपको आठ हजार पाँच सौ ये पांच हजार दो सौ आपको फिफ्टी फाइव हंड्रेड है आपका याद रखिएगा अब आखिरकार समुद्र का पानी इतना खारा क्यों होता है ये याद रखिए देखिए समझिए ये, ये क्या है आपका एक पत्थर है पत्थर में क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है तो समंदर क्या होता है समंदर में किनारा तू तो ये आके किससे किनारे से मिलता है मिलता है पूरा समंदर तो ये क्या करता है इससे तो जब मिलता है तो ये इसमें चले जाता है इसका सोडियम क्लोराइड अब समंदर में क्या होता है आपके जो समुद्र होता है उसमें क्या होता है आपका एक फॉलेप आपका एक 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 छोटा सा एक माइक्रो एक ऑर्गेनिज्म होता है तो ये क्या करता है इसका क्लोरीन ले लेता है क्यों सोडियम क्या होता है आपका सॉल्ट होता है नमक खारा होता है लेकिन क्लोराइन क्या होता है आपका मीठा होता है तो इसको ये क्या करेगा मीठेपन को ले लेता है और सोडियम आपका सिर्फ बसता है तो इसलिए आपको समुन्द्र में क्या देखने को मिलता होगा आपको खारा पानी देखने के लिए मिलता है और वहीं आपको नदी में ये चीज देखने को नहीं मिलती है खारे की याद रखिएगा ओके खारे की अब हम अगर सॉरी भूल गया था ये क्या होता है पीपीटी आपका पार्ट पर थाउजेंड होता है आखिरकार ये क्या होता है मतलब प्रति हजार का हिस्सा था मतलब एक हजार लीटर पानी में पानी हम किससे नापते हैं पानी हम नापते हैं लीटर से नापते हैं तो एक लीटर पानी में पैंतीस ग्राम आपका क्या होता है नमक होता है ये आपको याद रखना मतलब एवरेज सेलिनिटी रेट अगर हम बात करें तो ये कितना होता है आपका थर्टी फाइव सेलिनिटी होता है आपको तो ये मैक्सिमम सेलिनिटी किस में पाई जाती है सबसे ज्यादा आपकी पॉन्ड्स में पाई जाती है किस में पॉन्ड्स फिर जो कि आपका क्या होता है तालाब ठीक है फिर आपकी लेक्स फिर आपका ओशियन सी रिवर और सबसे कम होता है आपका रेनफॉल में पाया जाता है जो कि होता है आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव जिसे हम क्या बोलते हैं एकदम प्योर वाटर कहते हैं फ्रेश वाटर कहते हैं कि इस पानी को हम क्या कर सकते हैं इनटेक कर सकते हैं ये सबसे फ्रेश वाटर होता है और इसी को हम क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं मतलब पीते हैं मतलब फ्रेश होता है ये याद रखिएगा ड्रिंकिंग के लिए सबसे अच्छा पानी होता है अब सलाइन वाटर लेक पे पाई जाती है आपकी जॉन ढुआन पॉन्ड्स में पाई जाती है जो कि कहा है आपके एंटार्क्टिका आपने यहाँ पे मैंने बात किया था जब आपका ये आपका एंटार्क्टिका यहाँ पर कहीं तो यहाँ पर क्या है आपका जॉन जो मैंने आपको मैप में भी बताया था मेरे ख्याल से अगर होगा तो मैं आपको बताता हूँ जी नहीं है तो अगर एक सेकंड रुक जाइए एक मिनट में आपको मैपिंग करके बताता हूँ समझ में आ जाएगा आपको तो जॉन डुआन का है आपका कि तो पॉन्ड है आपका सबसे सलाइन मतलब सबसे ज्यादा सलाइन है मतलब सबसे ज्यादा खारा अगर कोई सा पॉन्ड है तो वो आपका एंटार्क्टिका में पाया जाता है लेक असाल कहा है आपका अफ्रीका में है इसकी रेट क्या है थ्री फाइव जीरो सेलेनिटी है आपका डेड सी कहाँ है आपका डेड सी आपका इसराइल और जॉर्डन के बीच में है ये आपको याद रखना है क्या है डेड सी आपकी इसकी सेलैनिटी रेट अब दो तरीके की आपको बुक्स में देखने को मिलती होगी एक तो थ्री थर्टी हो सकती है आपकी सेलिनिटी या फिर आपका थ्री हंड्रेड सेलिनिटी होगी ये आपको हायर लेवल में देखने को मिलता होगा ये आपको लोअर लेवल जो आपके एनसीआर सॉरी मैं लोअर लेवल नहीं कहना चाहता मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो ये आपकी एनसीआरटी में आपको देखने के लिए मिलती होगी वहीं अगर हम यहाँ पर कैस्पियन सी की बात करते हैं कैस्पियन सी आपकी सबसे बिगेस्ट सेलाइन वाटर लेक होती है कौन सी होती है आपके सबसे खारी पानी की आपकी लेक होती है जो कि आपकी कैस्पियन सी होती है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही होगी लेक सुपीरियर भी आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिली हो रही होगी लेक सुपीरियर होती है आपकी इसके अलावा क्या होता है आपको यहाँ पर एक चीज और देखने के लिए मिलता होगा कि जो हाइएस्ट लेक है आपकी कौन सी टिक्टिका है टिटिका ये ये कहाँ आती है आपके साउथ अमेरिका में आती है ये आपको मैं बताना चाहता था लेकिन मोस्ट सबसे ज्यादा लेक कहां पे पाई जाती? जाती है सबसे ज्यादा जो लेक पाई जाती है आपकी कनाडा में पाई जाती है कहा कनाडा में टोटल फोर्टी परसेंट आपकी लेक पाए जाती सिक्सटी परसेंट लेक पाई जाती है पूरे वर्ल्ड की मतलब पूरे वर्ल्ड को अगर हंड्रेड परसेंट मान ले तो सिक्सटी परसेंट आपकी कहाँ पे लेक पाई जाती है आपकी कनाडा में आपकी लेक पाई जाती है ये आपको याद रखना है पंजाब को हम क्या बोलते हैं पांच यूपी नदी कहते हैं मतलब वहां से पांच रिवर निकलती है ये आपको याद रखना है अब अम नॉर्थ अमेरिका में देखिए कौन कौन से लेक पाए जाते हैं ये मैं आपको बता दू। मैप पे अगर हम चले तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले तो आपको लेक सुपीरियर देखने को मिलेगा फिर आपको क्या मिलेगा लेक विक्टोरिया मिलेगा बहुत सारा कंटेंट है आगे मैं एक एक चीज को छोड़ना नहीं चाहता फिर आपका लेक आय है आपका और फिर क्या है आपका और मिशिगन है आपका ये आपके पांच लेक पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में फाइव लेक्स याद रखिएगा ठीक है अब हम आगे चलते हैं अब खेजाड़ी विलेज की अगर हम बात करें तो खेजाड़ी विलेज का राजस्थान में ये 300 साल पहले बना था और यहाँ के लोग क्या होते हैं होते हैं और खेजाड़ी जो ट्री है वो आपका कहाँ पे होता है देखिए खेजाड़ी ट्री को ज्यादा क्या होते हैं ये बिना वाटर के ही क्या बहुत ज्यादा उग जाता है और ये इंसेक्ट इसको क्या होते अफेक्ट नहीं करते हैं ये आपको याद रखना है खेजाड़ी विलेज की खेजाडी विलेज कहाँ है आपका जोधपुर राजस्थान में है तीन सौ साल पुराना है यहाँ की जो प्लेसेस होती हैं वो लकड़ियों से बनाए जाते हैं और यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या बुलाते हैं बिश्नोई कहलाए जाते हैं इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और कीड़े इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं याद रखना है बहुत छाना वो ब्लेज है जो आपके मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ती सॉरी यहाँ पे क्या करती हैं हनी बीज क्या करती हैं एग देती हैं वो भी कब से कब तक देती हैं अक्टूबर से दिसंबर रहती है क्यून यहाँ पे हेड होती है हेड ऑफ द फैमिली होती है जो कि एग देती है और जो मेल का होता है कोई भी ज़्यादा रोल नहीं रहता है ये आपको याद रखना है अब हम क्राफ्ट की बेसिस पे बात करें तो देखिए क्राफ्ट के बेसिस पे हम क्या करें इंडिया का जो डा... कल्चर है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है मतलब अलग अलग जो हमने इंडिया हिस्ट्री से देखते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं आप कह सकते हैं इनके रिलीजन कल्चर इनके बैकग्राउंड इनके खान पान से इनका पहनावे से मतलब हर क्या यहाँ पे अलग तरीके से होता है तो ये बहुत सेंचुरी से चले आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ट्रेडिशन होते हैं आपको और कौन से देखें आपकी वर्ली पेंटिंग आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलती है एक सिंगल पॉइंट में मैंने बताया महाराष्ट्र चिकन आपको एम्ब्रॉयडरी लखनऊ आपका जो परफ्यूम होता है वो कन्नौज में ये कहाँ आता है आपका यूपी में आता है ये आपको याद रखना ब्रास हैंडीक्राफ्ट आपको मुरादाबाद में भी देखने को मिलती है आपको जो जमदानि टेक्सटाइल है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है आपकी वेस्ट बंगाल पटोला गुजरात पश्चिम आपको जम्मू एंड कश्मीर और भी आपको कहां मिलती है राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलती है राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के बेसिस पे हम क्या बात करेंगे देखिए ये जो घर होते हैं मठ से बनते मतलब मिट्टी से बने जाते हैं और ये क्या होते हैं हॉट डेजर्ट में क्या बहुत ज्यादा फाउंड होते हैं क्योंकि राजस्थान के जो राजस्थान का एक बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है अब जो इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान हेल्प इन हाउसिंग एक्सेसिव फीट जो ये क्या होते हैं बहुत ज्यादा गर्म होते हैं तो मड वॉल क्या करते हैं कि बहुत मोटा मोटी परत होती है इनकी बहुत मोटी परत होती है तो जिससे क्या होता है ये जो हीट होती है इसको क्रॉस नहीं कर पाती है जो हीट होती है बहुत ज़्यादा इसको क्रॉस नहीं कर पाती है उसके जो रूफ़ होते हैं वो किससे बने होते हैं आपके फूडर जो होते हैं बुशेस से जो होती हैं जो एक किकक एक पेड़ होता है मेरे ख्याल से उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उसके रूफ़ से ये बनाए जाते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके रूफ़ को और इंसेक्ट से आपको प्रूफ रखते हैं और ये किससे पेंट हुआ जाता है आपके मर् से हुआ जाता है जो काय का जो डंक होता है उससे प्रोटेक्ट किया जाता है आपके जो आ, जो आप इस दीवारे बनाते हैं मतलब अपने घर के यहाँ पे अगर आप देखने को देख सकते हैं तो ये क्या है आपकी मिट्टी से बनी बनाई जा रही है ना मिट्टी से हर चीज़ ये देखिए किकाई जो मैं बात कर रहा हूँ ये इंसेक्ट से बचा रहा है ये पूरे के पूरे जो काउ का डंक है उससे आपको बनाया जाता तो धूप यहाँ क्रॉस नहीं कर पाती ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता होगा आप कहीं भी गाँव में चले जाएंगे लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने के लिए मिलता होगा ये आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलता होगा असम की अगर हम बात करें तो देखिए असम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले तो हर किसी की इच्छा करती है कि असम जाया जाए क्यों इच्छा करती है ना हर मनुष्य होता है जिसकी इच्छा करती है कि हम कहीं ना कहीं घूमें अगर हम ये पेड़ को बहुत ही ध्यान से देखने देखें तो इस पेड़ से हमें देखने को क्या मिलता है देखें अगर आप इस पेड़ को देखो इस इस घर को देखोगे तो एक तो ये घर बड़ा है मतलब ये कहाँ पर ये जमीन पे नहीं टिका है सबसे पहले तो ये देखिए मतलब हमारे सबके घर क्या होते हैं जमीन पे एकदम एकदम फिक्स होते हैं ये कुछ लकड़ी से मतलब ये लकड़ी क्या है बेम्बू है ये बेम्बू अगर आप देखेंगे तो इसकी हाइट कितनी है इसकी कुछ हाइट है थ्री तीन से लेके 3.5 मीटर तक होती है मतलब 10 से लेके 12 फीट तक होती है मतलब ग्राउंड के लेवल से होती है ग्राउंड के लेवल से भी ये क्या होती है जो ग्राउंड आपका लेवल ये है इससे ऊपर जो ये यहाँ पे बम्बू गढ़ाए जाते हैं बैंबूस गढ़ाए जाते हैं ठीक है ठीके? ये आपको याद रखना है ये किस लिए बारिश जो होती है बारिश नहीं तो इतनी तेज आती है यहाँ पर कि पूरा का पूरा सब कुछ उड़ा ले आती है ये आपको याद रखना है रह गया है उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे थीके? अब यहाँ पे जो बेम्बू की हाइट कितनी होती है तीन से लेकर साढ़े तीन मीटर होती है और दस से बारह फीट होती है अब अब तक ग्राउंड होती है लद्दाख की अगर हम बात करें तो देखिए लद्दाख भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है लद्दाख देखिए जो यहाँ के हाउसेस होते हैं वो क्या होते हैं एक तो सबसे पहले इस सिटी को क्या बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है क्या बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है पहले तो आपको याद रखना है लद्दाख अब एक आपकी यूनियन टेरिटरी है आपको ये याद रखना है ये भी आपको याद रखना है ठीक है यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहाँ पे क्या होता है आपके ग्रेन्स होते हैं मतलब आपके खान पान की चीज़ें होती है और आप अपने यहाँ पे एनिमल्स रखते हैं मतलब यहाँ पे क्या होता है आपके एनिमल्स और ग्रेन्स होते हैं और सेकेंड फ्लोर पे क्या होते हैं कोई भी यहाँ पर आपको क्या होता है विंडोज नहीं होती है आपको याद रखना ये विंडोज गलत डायग्राम आ गया मेरे ख्याल से ये वाला डायग्राम थोड़ा सा गलत आ गया है ये आपको याद रखना ठीक है जो सेकंड फ्लोर होता है यहाँ पे क्या होती है आपके विंडोज नहीं होती है और ये स्टोन से बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं जो घर होते हैं आपके पत्थर से बनाए जाते हैं ये आपको दिख रहे हैं ये आपको दिख रहे होंगे ये पत्थर से बनाए जाते हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और जो पेड़ के जो बहुत बड़े क्या होते हैं जो आप बोलते हैं जो पेड़ काटते हैं आप लोग जो ट्रंक होते हैं इनके जो मजबूत क्या होती है आपको लकड़ी होती है ना उससे इनका फर्श बनाया जाता है फर्श की जो छत होती है ना वो छत बनाई जाती है इसी लकड़ी के आपको ये याद रखना है और लद्दाख को क्या आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलते होंगे रिवर देखने को मिलते होंगे वैली देखने को मिलती होगी तो ये पूरा किसके बारे में था देखिए पहली बात तो ये दो स्टोर के हाउस होते हैं नीचे जानवर रहते हैं और क्या रहते हैं आपके ग्रेन रहते हैं और ऊपर आप रहते हैं ऊपर आपको कोई खिड़की देखने को नहीं मिलती उसकी जो छत है वो किससे बनती है बहुत ही मजबूत लकड़ी से बनी होती है और यहाँ पे आपको बहुत सारे लेक रिवर्स ये सब आपको देखने के लिए मिलती होगी ये रहा पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये जो जम्मू लद्दाख है इसको हटा दीजिए ये आपको क्या है बहुत ही ज्यादा कोल्ड डेजर्ट लिखने भूल गया कोल्ड डेजर्ट एरिया याद रखेगा ओल्ड डेजर्टेड टू फ्लोर होते हैं नीचे वाले फ्लोर पे जानवर और ग्रीनस रहेंगे ऊपर आप लोग रहेंगे ग्राउंड फ्लोर पे क्या होती है आपकी विंडोज नहीं होती है याद रखिएगा जो ग्राउंड फ्लोर होता है ये यहाँ पे क्या होती है आपकी विंडोज नहीं होती है ये आपको याद रखना है फर्स्ट फ्लोर मैंने गलत बता दिया ये डायग्राम सही है आपके यहाँ पे क्या होती है कोई भी विंडोज नहीं होती है ये आपको याद रखना है हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन से बने होते हैं और एक के ऊपर क्या ये रखे जाते हैं एक के ऊपर एक रखे जाते हैं ये आपके स्टोन रखे जाते हैं जैसे कि अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या रखे जा रहे हैं रखे जा रहे हैं यहाँ पे रखे जा रहे हैं ये भी क्या हो रहे रहे रखे जारे, रखे जा रहा है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ठीक है इसके जो वॉल्स होते हैं वो मिट्टी से होते हैं मिट्टी से होते हैं जो की जो रूफ होती है वो पेड़ की छाल जो पेड़ की बहुत बड़ी बड़ी मोटा होते हैं ना पेड़ उसका इस्तेमाल किया जाता है घरों की के एकदम छत बनाने के लिए और लद्दाख में आपको बहुत सारे क्या तालाब देखने को मिलती होगी नदी झील घाटी ये सब आपको देखने के लिए मिलती है ये कुछ प्यारे से घर हैं कभी जाइएगा लद्दाख जरूर घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेस है बहुत ज्यादा अच्छी प्लेस है ठीक है चलिए हम आगे चलते हैं ये पूरा वही है कुछ नहीं देखिए अब ये हाँ पे क्या है जब ये बारिश होती है ना तो ये वी शेप का है मतलब पानी यहाँ से ऐसे बह जाए बह जाए कितनी अच्छी टेक्निक है देखिए पानी आए ऊपर से ऐसे बह जाए वी है उल्टा वी है याद रखना आपको ठीक है ना इग्लू क्या होता है देखिए अब इग्लू के अगर हम टॉपिक पे आते हैं इग्लू Eskimos, जो पर्सन यहाँ पे जो रहते हैं यहाँ पे कौन इंसान रहते हैं एस्कीमोज वाले लोग रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन में पाया जाता है आपके कहाँ पाया जाता है जो बहुत ठंडा इलाका होता है ना वहाँ पर आपके पाया जाता है और जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो कौन होते हैं आपके एस्कीमोस कहलाते हैं कौन कहलाते हैं एस्कीमोज कहलाते हैं इसका इग्लू वाला शेप होता है कैसा इग्लू वाला शेप होता है मतलब हम इसको क्या कहते हैं ओवल ओवल शेप में कहते हैं और इसका जो एंट्री डोर होता है वो बहुत ही छोटा होता है जिसके वजह से क्या क्या होता है ये इंसुलेटर की तरीके से काम करता है और यहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं एनिमल्स की जो स्किन होती है जो फुल होती है ना उसको यूज करते हैं ताकि वो गर्म रह सकें और कॉटन के कपड़े पहनते हैं अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए शेप शेप ऑफ इग्लू रहता 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 है रहता है 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 ओवल में इनका अंडे का आकार रहता है। इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा ले, लेकिन इसकी क्या देखिये बर्फ का होता है और ये उपयोग किस लिए किया जाता है आपका इंसुलेटर के लिए उपयोग किया जाता है एक ये गर्म का उपयोग किया जाता है आपके लिए याद रखना है, है ये क्या होता है यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पे एनिमल्स की स्किन वाले लोग मतलब एनिमल यहाँ पे जानवरों की क्या खाली खाल का ये पहनाया जाता है और क्या होता है कॉटन के कपड़ा जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहनाया जाता है ये मैंने आपको पूरा एक चार्ट में लिख के रखा है किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा मुझे 45 डिग्री से भी यहाँ पे क्या होता है कम होता है जो तापमान होता है 45 डिग्री से भी कम होता है जिससे कि वैसे क्या होता है जो होता शायद आपको ठंडी लगेगी बहुत ठंडी लगेगी लेकिन जो यहाँ का क्या होता है ये जो होता है इंसुलेटर ये काम करता है आपको हीट के तौर पर गर्मी देने के लिए

बहुत सारे सैंड ड्यून्स दिखते हैं मतलब टीले टाइप के दिखते हैं मतलब सैंड ड्यून्स दिखते हैं रेत के पहाड़ दिखते हैं बहुत बड़े बड़े ये आपको याद रखना है तो ये हमने पढ़ा अबू धाबी क्या है अबू धाबी क्या है आपको एक बहुत ही डेजर्टेड एरिया है ये क्या होते हैं यहाँ पे आपको कोई रिवर नदी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा तेल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा इसी करेंसी के अधेरा में लोकल लैंग्वेज आपकी अरेबिक है और माउंटेन ऑफ सैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं ड्यून्स आपके पाए जाते हैं गोलकुंडा फोर्ट पे आते हैं गोलकुंडा फोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक मिनट देखिए गोलकुंडा फोर्ट भी आपके एग्जामिनेशन टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा यह जाता है यहाँ पे क्या होता तो है वेपन्स रखे जाते हैं वेपन ये एकदम तो गोलाई में है गोलाई में बोला ये जाता है कि जो इसका दरवाजा है अगर यहाँ से कोई चिल्ला के बोले तो सामने वाले को भी यहाँ पर क्या हो सकती है सुनाई दे जाती है सामने वाले को भी क्या है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सुनाई देती है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं माउंट एवरेस्ट देखिए माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार क्या है माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में क्या बोला जाता है अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है देखिए क्या अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए एट एट फाइव जीरो मीटर है ये सभी लोगों को जानना है नेपाल में इसे क्या बोला जाता है सागर मट्ठा बोला जाता है क्या बोला जाता है सागर मट्ठा बोला जाता है तिब्बत में इसे क्या बोला जाता है चोमोलुंगा बोला जाता है क्या बचेंद्री पाल मैम है ये कौन है बचेंद्री पाल मैम है ये फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी और फिफ्थ और वर्ल्ड की फिफ्थ थी तो क्वेश्चन इन दोनों में से एक आएगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट थी, थी और वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिफ्थ फीमेल थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है ये आपको याद रखना ठीक है इसको क्या बोला था सागर मठा इसको कहां पे बोला जाता है नेपाल में और चौमलुंगा इसको तिब्बत में बोला जाता है ये आपको याद रखना और माउंट एवरेस्ट तो इंडिया में बोला जाता है ठीक है यह आपका पॉइंट है इसके एट फाइव जीरो है ये अर्थ की सबसे पीकेस्ट पॉइंट है और मतलब जितना जितना ये ऊपर है ना उतना समुद्र के नीचे भी आपको याद रखना बेस भी उतना ही होना चाहिए जितना ऊपर है इसको नेपाल में सागरमठा और तिब्बत में चोमलंगा बोला जाता है फर्स्ट वुमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिफ्थ है वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ट्रेन से गांधीगंज जाएंगे मतलब गांधी धाम जाएंगे तो देखिए आपका गांधी धाम कहाँ पर है आपका गुजरात में है गुजरात में क्या क्या फेमस है आपका ढोकला चटनी लेमन राइस मिठाई <laughs> अहमदाबाद कहाँ आपका अहमदाबाद और आपका गुजरात में है रन ऑफ कच्छ कहा है आपका रन ऑफ कच्छ को कहते हैं व्हाइट डेजर्ट कहते हैं कोकी जाड है आपका कोई है आपका कहाँ पर है केरला में है मडागांव आपका कहाँ पर है गोवा में है जब आप गोवा से लेकर मतलब क्या है जब आपको ये मैं ये बताऊं तो आप गोवा से लेकर जब आप कहाँ जाएंगे केरला जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ 92 आपको यहाँ पर टनल्स देखने के लिए मिलती है क्या मिलती है 92 टनल्स देखने के लिए मिलती है और दो हज़ार आपको ब्रज देखने के लिए मिलते हैं ये आपको याद रखना है ठीक है <coughs> यहाँ पर आपको मालाबार कोस्ट मिलता है कैलीकट में आपको क्या मिलता है मालाबार कोस्ट देखने के लिए मिलता है ये आपके एग्जामिनेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जब आप गुजरात से केरला जाएंगे तो गुजरात से जब आप केरला जाएंगे तो आपको कौन कौन से स्टेट मिलेगी महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए आपको ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से कितने स्टेट्स टच है ये पूछा जा सकता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूछा जाता है कि अगर आप राजस्थान से बिहार जाएंगे तो कितनी स्टेट टच होंगी ये आपसे पूछा जा सकता है तो कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा था इसको हम अभी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे देखिए कोल क्या होता है कोल आपको एक नॉन रिन्यूएबल है आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रेस करते हैं प्रेस ठीक है प्रेस करते हैं अगर एक बार उस कोल का यूज हो जाए तो उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते मतलब वो क्या नॉन रिन्यूएबल है एक ही बार यूज कर सकते हैं तो रिन्यूएबल नहीं है कि वाटर को आप प्यूरीफाई करते रहें क्या क्या हो जाएगा वो रिन्यूएबल हो जाएगा ठीक है ये आपको याद रखना है ये नॉन रिन्यूएबल है यह क्या आपको हीट प्रोड्यूस करता है लाइट प्रोड्यूस करता है आपने देखा गाँव में क्या होता है इससे खाना बनाया जाता है बनाया जाता है ये स्टील के पर्पज से भी आ जाता है कार्बन है आपका एक मेन कॉन्सिटेंट है और इससे क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है आपके कोयला बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा ये आपको कहाँ पाया जाता है वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और झारखंड में आपको पाया जाता है कोल के बहुत सारे पर्पस होते हैं जैसे आपको कुकिंग गैस में हुआ आपका सिलिकॉन में यूज़ हुआ आपका टर्न में यूज़ हुआ आपका लुब्रिकेंट में यूज़ हुआ आपका वाटर में यूज़ हुआ इन सब में क्या होता है आपका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है कोयला यूज होता है कोयला बेसिकली होता क्या अगर हम जाने देखिए कोयला वो होता है जिसको अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये आपके लिए ये खाने के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं ये आपको याद रखना है तो कोयला बनता कैसे देखें इन प्रोसेस से कोयला बनता है ये आपको याद रखना है ये क्या होते हैं इस ये एक ऐसी रिसोर्स है हमारे लिए है। अगर हमने इसको क्या हुआ बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया बहुत ही ज़्यादा यूज तो प्रकृति के एक दिन क्या होगा आपको यूज़ देगी नहीं तो हमें एक अच्छे तरीके से भी इसका यूज़ करना है याद रखिएगा थर्मल कोल के लिए क्या होता है जो थर्मल कोल होता है आपका ये थर्मल कोल ये आपका क्या करता है आपको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है ये भी आपको याद रखना है तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है याद रखिएगा पढ़ने में आपको कोई इशू नहीं आएगा मैंने एक एक चीज लिखी समझा तो वैसे ही मैं आपको हिंदी में ही रहा हूँ चलिए हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है पेट्रोलियम पेट्रोलियम किससे बनता है पेट्रोलियम आपका फजिल फ्यूल से बनता है जो हड्डियाँ होती हैं हड्डियाँ बहुत साले से क्या हुआ हड्डियाँ पेड़ ये सब क्या हुआ धरती में दफन होते हैं बहुत सालों से तो इसी से क्या आपका फॉजिल फ्यूल बना फॉजिल फ्यूल बना तो क्या हुआ फॉजिल फ्यूल बना तो इससे क्या हुआ आपके जो मतलब जो क्या हुआ डिकम्पोज हुआ अंदर इससे आपका पेट्रोल बना जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना अच्छा आपको पेट्रोल दिख रहा है मस्त गाड़ी में डालो और चलाओ जितना चलाना है उतना चलाओ अब पेट्रोल किससे बनता है आपके जो प्लांट और एनिमल जो कि क्या डेथ हो चुकी है उनसे बनता है अब जब ये बहुत ही जगह डीप में चले जाते हैं बहुत अंदर चले जाते हैं तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं क्या वो लगते हैं बहुत ज्यादा साल लगते हैं किस किस के आपके जो पेड़ होते हैं और जो इंसान होते हैं उनसे ये सब होता है याद रखिए वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो बहुत साल तक तो वो अंदर ही अंदर जाते हैं और डिकम्पोज होते रहते हैं याद रखिए उससे क्या होता है आपका पेट्रोल बनता है ये भी आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है मींस क्या है आपका एक बार यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं होगा ये आपको याद रखना है इसकी जो स्मेल होती है ना बहुत ही क्या होती है थिक होती है बहुत मोटी होती है याद देखिए और ये जल्दी से जल्दी ये क्या होता है आग पकड़ लेता है फायर बहुत जल्दी ही पकड़ता है ये आपको याद रखना है तो इसके भी बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो देखिए पेट्रोलियम कैसे बनता है जो रिमेन्स और डेड प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये अंदर चले जाते हैं जमीन के बहुत ही अंदर जाते रहते जाते रहते सी बेड तक चले जाते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनको डिकम्पोज होने में फिर इनसे क्या बनता है ये मिक्स होते हैं सैंड और सिल्ट से और फिर क्या बनता है डिकम्पोज होकर आपको एक पेट्रोल देता है ठीक है ये नॉन रिम रिसोर्स फॉसिल फ्यूल कहलाता है ये और ये कहाँ पे यूज होता है ऑटोमोबाइल पेंट ड्राई क्लीनिंग इनमें यूज होता है ये आपको थिक करता है बहुत ही ज्यादा आपको गंध देता है और क्या होता है बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है ये आपको याद रखना एलपीजी क्या होता है देखिए अब पेट्रोल से क्या क्या होता है ये आप देखिए देखिए एलपीजी मतलब जब प्रोसेस में होती है जब पेट्रोल बनता है तो देखिए क्या एलपीजी आपका होता है जिससे कि क्या होता है आपका चूल्हा गैस चूल्हा चलता है गाड़ी चलती है आपकी कैरोसिन होता है आपका डीजल होता है आपका लुब्रिकेंट ऑयल होता है ये जो मशीन में डलता है मशीन बहुत अच्छी तरीके से चलती है तो ये सब क्या होते हैं आपके पेट्रोलियम्स के सब पॉइंट्स आप कह सकते हैं अब ट्रेवलर की अगर हम बात करें तो देखिए अलबरूनी और वास्को डिगामा आते हैं ये दो महान मतलब कह सकते हैं इंसान है तो वास्को सबसे पहले हम डि अलबरूनी की बात करते हैं तो अलबरूनी देखिए क्या थे ये आए थे उजबेगिस्तान से कहाँ से आए थे उजबेगिस्तान से आए थे किसके साथ मोहम्मद गजनी के साथ आए थे किसके साथ मोहम्मद गजनी के साथ आए थे पढ़ेंगे भी हम अभी फिक्र मत करिए अब इन्होंने एक बुक लिखी थी वो थी किताब उल हिंद इन्होंने एक बुक लिखी थी और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या पढ़ा था वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ा था रिवर्स के बारे में पढ़ा था और पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था मतलब इंडिया में जब ये आए थे इंडिया में ये तुगलक मोहम्मद तुगलक के टाइम आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आए थे मेरे ख्याल से आए थे ये अलबरूनी मोहम्मद बिन तुगलक ये इब्ने बतूता थोड़ा कंफ्यू इबने बतूता आए थे मेरे ख्याल से इबने बतूता आए थे आ, उनके टाइम आए थे हाँ इबने बतूता आए थे अलबरूनी तो बहुत पहले की बात है अलबरूनी तो बहुत पहले हो जाएगा माफ करिएगा बोल गया था तो इब्ने बतूता आए थे मोहम्मद तुगलक के टाइम याद रखिएगा फेमस ट्रेवलर थे अलबरूनी थे कौन थे अलबरूनी थे ये किसके साथ आए थे मोहम्मद गजनी के साथ आए थे सत्रह बार आक्रमण किया था याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर के ऊपर जिसने उबेगिस कहते हैं याद रखिएगा इन्होंने एक बुक लिखी थी ताकिब हिंद और किताबुल हिंद मतलब इंडिया का इन्होंने इसमें क्या डिस्क्रिप्शन दिया था इंडिया का डिस्क्रिप्शन दिया था याद रखिएगा अब यहाँ पर वाटर बॉडीज़ भी इन्होंने बहुत बहुत सारी वाटर बॉडीज़ रिवर्स पॉन्ड्स ये सब इन्होंने देखे अब वॉस्को डिगामा के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये भी एक फेमस ये थे क्या ट्रेवलर थे ये पॉर्चुगल थे पॉर्चुगेज़ थे फोर्टीन सेवन नाइनटी एट में आए थे हैं। और ये कहाँ से आए थे अटलांटिक ओशन से आए थे हम एक एक चीज़ अभी मैप से भी करेंगे फिक्र मत करिए अटलांटिक ओशन से आते ये सबसे पहले कहाँ उतरे थे कैलीकट में उतरे थे अगर हम देखना चाहें तो ये देखें फेमस ट्रेवलर थे वास्को डिगामा फोर्टीन नाइनटी एट में आए थे इंडिया आए थे अटलांटिक ओशन से होते हुए जो मैंने बताया था यूं करके जो एस शिफ्ट वाला था ना वहाँ से यूं आए थे और कैलिकट में आके यहाँ पे रुक गए थे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अब हमें पेंटिंग्स की कुछ बात करनी है तो देखिए पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो शायद से मैं वो पॉइंट लगाना भूल गया हूँ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा वो स्लाइड्स शायद से मैं लगा नहीं पाया हूँ सॉरी माफ करिएगा अगर हम आगे चलते हैं चित्रकाटी पेंटिंग पे देखिए चित्रकाटी पेंटिंग है, इंडिया का बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है कि

बात करें तो देखिए इंडिया का ट्रेडिशन बहुत ही पुराना है बहुत ही रिच है याद रखिएगा चित्रकारी पेंटिंग आपकी महाराष्ट्र में बनाई जाती है ये डेडिकेट होती है किसी न किसी को ये पेंटिंग्स याद रखिएगा। नेचुरल कलर से बनाई जाती है जो कालम्बरी पेंटिंग है आपके आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है और ये क्लॉथ के ऊपर बनाई जाती है किसके ऊपर कपड़े के ऊपर बनाई जाती है अच्छे के तरीके से इसके बॉर्डर आप देख सकते हैं ठीक है ना और हम सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग की बात करें मधुबनी पेंटिंग जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है देखिए ये होती है आपके बिहार में पाई जाती है कहाँ पे बिहार में पाई जाती है ये एक ओल्ड फॉर्म है आपका फॉल का मधुबनी इसका इसलिए नाम रखा क्योंकि मधुबनी क्या बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है उसके बेसिस पे ये है अब इस पिक्चर में आखिरकार किस किस को इन्होंने डेडिकेट किया है देखिये डेपिसिट uh, किया है देखिए किस किस को यहाँ पे इन्होंने हाँ जताया है इस पिक्चर में किस किस को दिखाया बर्ड्स को दिखाया इन्होंने चिड़िया को दिखाया ठीक है इन्होंने ह्यूमंस को दिखाया है मनुष्य को दिखाया फ्लावर को दिखाया बर्ड हो गया ये मनुष्य हो गया ठीक है फ्लावर दिखाए पत्तियाँ दिखाई इन्होंने एनिमल्स दिखाए इन्होंने मतलब ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की अब ये बना किससे है ये बना है आपकी किससे हल्दी से जो आपकी हल्दी होती है उससे बना है इंडिगो जो नील नीला रंग होता है नील की खेती कहते हैं नील क्रांति उससे बना है और नेचुरल फ्लावर से बना है और किससे बना है ये जो आपके राइस होते हैं उसको क्या करते हैं ग्रिंड करते हैं मतलब क्या पीसते हैं उसको अच्छी तरीके से और उसके द्वारा बनाते हैं तो ये आपके सामने ये रहा पढ़ लीजिए आराम से कोई जल्दी नहीं है बिहार की स्टेट से है ये बहुत ही फॉल बहुत ही पुराना वो जमाने का है ये मधुबनी पेंटिंग डिस्ट्रिक्ट है इसलिए मधुबनी नाम रख दिया ये किस किस को बता रही है लीव्स को बता रही है फ्लावर्स को बता रही है जो मैं आपको बता चुका हूं देखिए पिक्चर से पहले मैं समझाता हूँ फिर मैं आगे बताता हूँ फिर आपको एनिमल्स दिखा रहे हैं बर्ड्स दिखा रहे हैं ह्यूमन दिखा रहे हैं ये सब दिखा रहे हैं नेचुरल कलर्स आपको यहाँ पे कौन कौन से आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं कलर्स दिख रहे हैं इंडिगो टर्मरिक ये आपको सब दिख रहे हैं ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पेस्ट है जो प्रिंट है आपका जो यहाँ पर यहाँ पर उसको पीस के अच्छी तरीके से इस पूरी पेंटिंग में दिखाया जाता है अब एक पाटा पेंटिंग आती है कौन सी आती है फाड़ पेंटिंग आती है एक पाटा आती है और एक फाड़ पेंटिंग आती है अब ये जो पार्ट पेंटिंग है ये किस लिए आ जाती है माइथोलॉजिस्ट के बेसिस पे जानी है मतलब जटिल विवरणों के कारण जानी जाती है अब सब जो लोक कथाएं होती ना, लो कथा है ना आपकी लोक कथाएं कौन सी होती है आपकी हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी मैं आराम से पढ़ाऊंगा इंग्लिश वाले को भी पढ़ाऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स बहुत परेशान है अगर एक उनको एक जगह पूरा मटेरियल मिल जाए तो तो उनकी चांदी पे सौ सुहाना हो जाता है हर चीज़ पे तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको एकदम अच्छे तरीके से नरेट करते हैं फोल्ड टेल्स को यहाँ पे करते हैं और ये जो होती है यहाँ पे नेचुरल कलर फॉर्म से बनी होती है मिनरल से बनी होती है और किससे बनी होती है वेजिटेबल्स यहाँ पे ठीक है ना तो ये आपको दिख रहा होगा आराम से देख लीजिए खनिज और सब्जियों से प्राकृतिक रंग है पट्टादार जो कला है अपने जटिल विवरणों के साथ साथ पौराणिक कथाओं पे भी लोक लोक कथाओं पे भी क्या जाना जाता है ये आपको याद रखना है और ये बेसिकली कहाँ की है ओडिशा की है ये सबसे पहले आप जान लीजिए उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की है ये पिक्चर्स में बताना भूल गया अचानक मेरे दिमाग से निकल गया होगा मेरे ख्याल से अब फाड़ पेंटिंग क्या है देखिए ये फाड़ पेंटिंग जो है सॉरी ये आपकी ट्रेडिशन दिखाती हिस्ट्री की जो आपकी हिस्ट्री से चली आ रही है अलग अलग जो फोल्क आर्ट्स है फॉर्म है जिस तरीके से आप नरेट करके स्टोरीज बताते हैं किसी भी चीज़ की वो आपको ये बता रही है ये सिग्निफिकेंट कहाँ की ये राजस्थान की इस बार मैं नहीं भूलूंगा ये राजस्थान की कहाँ की राजस्थान की आपकी हिस्ट्री बता रही है किस तरीके से जो हमारा विदेश है कैसे इसका विकास हुआ ओरिजिन कैसे हुआ कैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग तरीके से चेंजेस हुई और ये बेसिकली किस पे बनाई जाती है आपके क्लोथ पे बनाई जाती है ये आपको याद रखना है पेंटिंग ये दिया है मैंने अभी मैं आपको इनवर्टिट्स और वर्टिब्रेट्स का एक डायग्राम बना के बता दूंगा फिक्र मत करिए फिक्र मत करिए मैं आपको बता दूंगा देखिए फॉल पेंटिंग का ट्रेंड इन ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री मतलब इंडिया की हिस्ट्री बताया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है यहाँ पे क्या पहले से चले आ रहा है आपकी जो हिस्ट्री होती है किस तरीके से ओरिजिन हुआ ये सब बताया जा रहा है इस पर ही क्लोथ पे बनाई जा रही है ठीक है किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी और राजस्थान की पहली बात तो यह आपकी कोई याद रखना कुछ क्वेश्चन कन्नौज में देखिए क्या फेमस है आपका परफ्यूम फेमस है का आपकी महाराष्ट्र की भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का गुड़ी पर्व आपका महाराष्ट्र का, कौन का आपकी गोवा की बोली है जलीकट्टू आपका तमिलनाडु का है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया आपको मुंबई बोला जाता है नेशनल एंथम जनगण मन है आपको याद रखिएगा और ओरिजिन ऑफ गंगा कहा है गंगोत्री आपका उत्तराखंड से रेजिस्टेंस ऑफ मोशन को हम बोलते हैं अगेंस्ट वन अदर फ्रिक्शन बोलते हैं इसमें थोड़ा साइंस के क्वेश्चन भी आ गए अब बरएल जो होती है स्क्रिप्ट एक बराइल पर्सन के नाम से ही आई है ये क्या होती है यहाँ पे कुछ आपको सिक्स डॉट्स देखने को मिलते हैं क्या है सिक्स ये समझिए खाली ये टोटल छः तो अगर एक भरा है तो क्या हो इंसान इसको ए पढ़ेगा दो भरे हैं तो इसको बी पढ़ेगा ये कुछ इस स्टाइल में बना होता है तो वो क्या होता है अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं ये बरएल फॉर्म में है इसको जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में इनको क्या है? इनको पढ़ना होता है इनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है टच करके समझते हैं याद रखेगा जो टच करते हैं तभी इनको अल्फाबेट को क्या इनको समझ में आ जाता है याद रखना है आपको अच्छी तरीके से एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछेगा सिक्स पॉइंट होते हैं यहाँ पे रनिंग हैंड्स के पढ़ना रहता है ये मैंने पूरा लिखा हुआ है ब्लाइंड पर्सन पढ़ते हैं जो लेटर्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में समझ आ सके याद रखिएगा ओके okay? इक्व लेटर टू पंचन मार्क एंड प्रोवाइड शो लेटर ग्रुपिंग बराइर इज द मूविंग हैंड मतलब बहुत जल्दी जल्दी हाथों से पढ़ते हैं और बहुत मोटा पेपर होता है रेज्ड होते हैं इस पर पॉइंट्स कुछ होते हैं टूल्स मतलब उसको बुटाउट लगाए देते हैं और सिक्स पॉइंट्स होते हैं रनिंग हैंड में होते हैं अब मैं आपको चीज़ें जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बता देता हूँ देखें जो यहाँ पर छूट गया था कोई स्लाइड भी तो खाली नहीं है एक मिनट रुक जाइए मैं आपको एक स्लाइड खाली करके देता हूँ क्योंकि आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स छोड़ दिया था ना देखिए अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स ये आपका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं शायद से लिखना भूल गया होऊंगा कोशिश तो मैंने आपको पूरी की कि मैं आपको सारी की सारी चीज़ आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ लेकिन क्या रहता है हम भी इंसान हैं हमसे भी कभी कभार कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है तो देखिए इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें इन्वर्टिव और वर्टिव की अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी बात करते हैं बात करते हैं तो इनवर्टिट वो होते हैं जिनकी हड्डियां नहीं होती इनको हिंदी में क्या बोलते हैं अक्ष की याद रखिएगा एक बार चेक कर और लिएट को क्या बोलते हैं बोलते हैं ठीक है अब देखिए ये जो होती है इनवर्टिब्रेट्स इनकी क्या होती है हड्डी नहीं होती है ये क्या होती हड्डी बिल्कुल भी नहीं होती है आपको ये याद रखना मतलब इनवर्टिब्रेट्स वो होती है जिनकी हड्डी नहीं होती है। अब देखो कौन सी फिश यहाँ पे हम इंक्लूड कर, कर, कर सकते हैं आपकी स्टार फिश हो गई उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं आपका ऑक्टोपस हो गया उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं आपका डेविल फिश हो गई उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं हिंदी में भी लिख दूंगा मैं फिक्र मत करिए आपकी जेली फिश हो गई इसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं आपका स्नेल हो गया उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं मतलब घोंगे मैं आपको हिंदी में भी लिख के दूँगा आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है अब जो ऑक्टोपस और आपका डेली ये होता है डेविल फिश इसको हम क्या बोलते हैं मोलस बोलते हैं मोलस बोलते हैं जिनके बॉडी पे क्या होती है शेल्स होती हैं क्या होती है बॉडी पल्स क्या होती है इनके शेल्स होती हैं अब अगर हम और आगे चलते हैं ऑयस्टर के एक इसमें होता है ऑयस्टर भी होता है ऑयस्टर पे क्या मिलते हैं आपको यहाँ पे पेटल्स मिलते हैं मतलब मोती देखने को मिलते हैं ये आपको याद रखना है अब वर्टिब्रेट्स क्या होती है जिनकी क्या होती है हड्डियाँ होती हैं सॉरी माफ करिएगा इनकी क्या होती है हड्डियाँ होती हैं जैसे कि आपके एम्फीबियंस हो गए जैसे आप ह्यूमन बींग्स हो गए आपका बर्ड्स हो गया ये क्या होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं तो ये था अब हम टायर चलते हैं किस पर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि मैप है इसमें आपको एक चीज और मैं बता दूं, देखिए एक आता है विवी पोरस जो इम्पोर्टेंट है वो जानना आपको जरूरी है, जरूरी है। एक ओवीपोरस जानना हिंदी में भी लिख देता हूं मैं ये क्या होते हैं बच्चे जन्म देते हैं बच्चे जनंदारी जनंदारी याद रखिएगा ना हिंदी में यहाँ पे और लिख देता हैं जनमदारी और ये क्या होती है अंड जनंदारी ये दो तरीके से ये क्या होते हैं यंग वंस होते हैं ये आपको याद रखना और ये एग देते हैं ये आपको याद रखना ठीक है एक बैट होता है वो आपका क्या होता है मैमल ही होता है वो बच्चा देता है यंग वन ये आपको याद रखना ठीक है अब हम अगर और पीछे आते हैं तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था देखिए सबको कंप्लीट करेंगे ब्रिज जाता है आपके असम।, असम होता है वहां पे रोप ब्रिज आपको बहुत देखने क्योंकि वहां पे एक जगह से दूसरी जगह, जगह जब आप जाएंगे तो क्या होता है पानी बहुत देखने के लिए मिलता है तो स्कूल जाना आपको ऑफिस जाना है तो आपको रोप ब्रिज जो लकड़ी होता है उससे जाने को देखने को मिलता है ट्रॉली आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलती है वलम जो बोट होती है आपको केरला में देखने के लिए मिलती है ठीक है कैमल काट आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलता है और बोलक काट आपको विलेज में बहुत ज्यादा देखने के मिलती है शिखारा वुड बोट होती है और एक फेरी बोट होती है जो आपको केरला में देखने के लिए मिलती है तो देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है तो रोप ब्रिज आपको पे देखने को मिलेगा जो असम में जो रस्सी पुल है आपको लद्दाख में ट्रॉली देखने को मिली सीमेंट पुल का प्लॉक जो भी हो कहाँ पे किया जाता है आपका सीमेंट ब्रिज आर यूज इन नॉर्मल एरिया मतलब क्या होता है नॉर्मल वाले जो एरिया होते हैं ना जो हाई लिफ्टेड नहीं होते जैसे माउंटेन हो गया वहाँ पे सीमेंट मतलब माउंटेन वाले एरिया हो गए वहां पर नहीं होता सीमेंट ब्रिज डायरेक्ट बनाया जाती है प्लेन वाले एरिया जैसे हमारा घर के आसपास प्लेन एरिया गुजरात क्या है गुजरात द फ्रंट लुक लाइक अ मोटर व्हील बट द दैरेज गुजरात में क्या होता है एक मोटर बाइक होती है मोटर बाइक ऐसी होती है जिसमें क्या होता है सामान आप बहुत ज्यादा लकड़ी वाला सामान रख देते हैं और बोलते हैं कि अब आप उसको कैरेज करिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए वलम बोट आपको केरला में पाया जाता है और कैमल काट आपका राजस्थान में पाया जाता है हिंदी में भी मैंने एक एक चीज लिखी है आराम से पलट लीजिएगा कोई टेंशन नहीं है गुजरात में मैंने बता दिया कि गाड़ी क्या होती है गाड़ी पर आपका लकड़ी रख दिया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजी जाती है वल्म बोट आपकी कहाँ केरला में पाई जाती है और आपके जो ऊट की गाड़ी है वो राजस्थान में पाई जाती है ये आपको याद रखना है जहाँ चारों तरफ रेत होती है बुलक काट आपकी रा कहाँ पे विलेज में होती है कश्मीर में आपका शिकारा टाइप ऑफ वुड पाया जाता है जो कि डल लेक है जो आपका श्रीनगर में आता है कोस्टल एरिया क्या है आपका जो फेरी टाइप ऑफ बोट है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है मैंने अभी आपको बताया केरला में पाया जाता है ये मैंने लिखा नहीं था इधर तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ओके ये आपका केरला में पाया जाता है तो श्रीनगर में आपका डल लेक के पास क्या शिकारा पाया जाता है और आपका इधर क्या टटी एरिया में जो आपका है फेरी टाइप की बोट जो आपकी केरला में पाई जाती है

अपने वॉल पे लगाइए और उससे आप रोज रोज देखा करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर याद हो जाएंगे ये आपको याद रखना ठीक है ठीके? अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या देखेंगे देखिए यहाँ पर आपको लद्दाख दिख रहा है ये लद्दाख ये लद्दाख ये, ये आप एक यूनियन टेरिटरी है सबसे पहले ये तो बांग्लादेश अपनी आप सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है इंडिया से ये आपको याद रखना सबसे ज्यादा कोई मतलब ये कंट्री पांच स्टेट से करती है ये सबसे पहला पॉइंट हो गया मतलब स्टेट से ये शेयर करती है लेकिन जो अब ये चाइना है चार स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी से करती है वो कि क्या है आपका लद्दाख है तो यूनियन टेरिटरी आपकी अलग होती है स्टेट अलग होती है ये आपको याद रखना है पॉइंट नंबर वन इंडिया का टोटल एरिया कितना है थर्टी टू एट्टी सेवन टू सिक्सटी थ्री किलोमीटर स्क्वायर है ठीक है ये वर्ल्ड का 2.4 एरिया जो है लैंड जोग्राफिकल एरिया है मतलब 2.4 पॉइंट फोर हंड्रेड में से इंडिया 2.4 परसेंट में बसा हुआ ठीक है सबसे पहले कौन आता है आपका रशिया आता है उसके बाद सातवें नंबर पे आपका इंडिया आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस मैं बता रहा हूँ पहला और जो इंडिया जिस नंबर पर आता है वही वह चलेगा इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है पहले तो ये जान लीजिए पूरी टोटल जो कोस्ट लाइन है ये पूरी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है सेवन फाइव वन फाइव पॉइंट वन और जो इंडिया के जो फ्रंटियर हैं जो फ्रंटियर है ये ये फ्रंटियर हुआ आपका ये जो आपका फ्रंटियर हुआ ये कितना है आपका फ्रंटियर टोटल कितना है आपका फाइव और टोटल ये कितना हुआ फिफ्टीन टू जीरो जीरो आपका हो गया ये आपको याद रखना ठीक है तो यहाँ पे ये आपको याद रखना ओके थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो गया ये आपका होता है सेवन फाइव वन फाइव हो गया ठीक है सेवन फाइव वन फाइव हो गया हाँ ये आपका सिक्स वन जीरो जीरो ही होता है ठीक है ये आपका सिक्स वन जीरो जीरो होता है ये आपको याद रखना ठीक है थोड़ा सा इशू हो गया था मैं कुछ और ही समझ बैठा था अब यहाँ पर आपको चीज़ें यहाँ पे दिखेगी अंडमान एंड निकोबार तो अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करता है उससे हम कहते हैं टेन डिग्री चैनल क्या कहते हैं टेन डिग्री और इंडिया का जो सबसे डिप डीस्ट पॉइंट है जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो है आपका ये नहीं, ये, कन्या नहीं ये है कन्याकुमारी नहीं है याद रखेगा इंदिरा पॉइंट है आपका क्या है इंदिरा पॉइंट आपका सबसे नीचे वाला पॉइंट है और सबसे ऊपर वाला कौन सा पॉइंट है आपका इंदिरा कॉल है आपका ये आपको याद रखना है ठीक है ये आपको याद रखना है।, तो है तो यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए फिर हम आगे चलते हैं तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर आपको और भी चीजें बतानी है ठीक है अगर हम आगे चले तो अब देखिए अब क्या है आपको सबसे पहले इसमें क्या क्या देखना है देखिए कौन सी स्टेट कितने स्टेटों से टच है सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आया था ठीक अब ये क्वेश्चन के बाद ये आता है कुछ ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि एक इंसान यहाँ से चला यहाँ पहुंचा यहाँ से चला ये ऐसे में आता है तो ये क्या होगा आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा इन दोनों के बीच में आ रहा है ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये आपको क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट होता है कुछ इस तरीके से ये पूरा रहता है ये आपको याद है टोटल एट पॉइंट एट पार्ट में डिवाइड होता है ये होता है अब यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा इंस्टूडेंट कंफ्यूज होता है अरे इस वाले चीज से क्वेश्चन आ जाए कि नागालैंड किस किस से टच होता है तो ये आपको नॉर्थ सिस्टर वाली जो स्टेट्स हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है बहुत अच्छी तरीके से याद करिए इसकी कैपिटल्स भी याद करिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के स्टेट्स क्या होती हैं हम बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं ये आपका आखना है बिहार सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है ये भी आपको याद रखना बिहार सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बांग्लादेश वो कंट्री जो सबसे ज्यादा स्टेट को मतलब सबसे ज़्यादा स्टेट को टच करती है पांच और चाइना क्या है आपकी फोर प्लस वन को करती है तो हमने ये पढ़ लिया अब रिवर बेसिस से क्वेश्चन आता है तो गंगा क्या होती है गंगा यही आती है ठीक है गंगोत्री से ये आ गई ठीक है आपकी फिर गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब क्या है नीचे वाली रिवर है तो एक रिवर से भी क्वेश्चन आ चुका है तो आप वहां से भी ये क्वेश्चन जरूर देखिए ये एग्जामेशन पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब हम और अगर बात करें इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या ये सिक्किम सिक्किम आपका बफर स्टेट और ये आपका क्या है चिकन पॉइंट चिकन पॉइंट क्या है ये आपका जो बांग्लादेश है यहां से भी टच है यहां से भी टच है यहां से भी टच है ये आपका क्या होता है चिकन पॉइंट होता है ये आपको याद रखना है ये आपके क्या है बफर स्टेट है मैं वो सब चीजें बता रहा हूं जो आ सकते हैं क्वेश्चन आपको ठीक है ये सब आपका फ्रंटियर में आपको बता चुका हूं फ्रंटियर वो होते हैं देखिए फ्रंटियर वो होते हैं जिसको आप शिफ्ट कर सकते हैं कभी भी देखिए जैसे आपके घर की जो बाउंड्री है आपके आस पड़ोस में एक बाउंड्री बनी हुई है कि अब आप इस घर में जा नहीं सकते मतलब इस घर को आप अपने अंदर नहीं ले सकते हैं नहीं ले सकते उस घर का एरिया लेकिन फ्रंटियर ऐसा होता है जिसको आप एरिया बढ़ा सके जो पहले के ज़माने में क्या होते राजा क्या होते थे पहले क्या एकदम सीमा नहीं होती थी वो फ्रंटियर होता था कि पहले समझ लेते राजा पाँच छः राजा ये बैठे ये एक दो तीन चार पाँच राजा बैठे समझ लीजिए ये इसकी ये बाउंड्री है तो यहाँ पर उस टाइम क्या होता था कि राजा एक दूसरे से लड़के ये जो आप, ये, जो इनकी बाउंड्री होती थी इसको शिफ्ट कर लेते मतलब ये फ्रंटियर होता था इसको शिफ्ट कर लेते तो अपने यहाँ पे आगे बढ़ा देते फिर और बढ़ा लेंगे फिर और बढ़ा लेंगे फिर और बढ़ा लेंगे फिर और बढ़ा लेंगे तो ये होता था फ्रंटियर और बाउंड्री क्या होती है आपकी एक निश्चित जगह हो जाती है ये आपको याद रखना है तो अब निश्चित जगह क्या हो गई देखिए जैसे कि ये आपकी बांग्लादेश और इंडिया की ये निश्चित जगह हो गई है कि ये इतना है इंडिया और पाकिस्तान का भी हो गया है ये आपको याद रखना है ठीक है तो ये था आपके मैप से जानने के लिए और पॉइंट रह गया हो तो बताइएगा ठीक है अब क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं कुछ और बाकी क्वेश्चंस फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको बने रहे देखें आप एक टीचर हैं तो आपको सबसे पहला एम क्या रहेगा अगर आप स्टूडेंट्स को जू में ले आ रहे हैं क्या आप पेरेंट्स को क्या मतलब सेटिस्फाई करने के लिए ले आएंगे फन एंड प्लेजर के लिए ले आएंगे कि उनके रूटीन में कुछ चेंजेस के लिए कि एक्टिव लर्निंग के लिए तो आंसर क्या है सही है डी है क्योंकि क्या बच्चे अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो वो क्या होता है उनकी एक्टिव लर्निंग होगा पैसिव लर्निंग आपको कभी भी नहीं करवानी है ना ही आपको उनके पेरेंट्स को क्या दिखाना है कि हमारा स्कूल इतना अच्छा है ये सब नहीं दिखाना है जो प्राइमरी बेस जो प्राइमरी फोकस होता है ईवीएस का असाइनमेंट क्या होता है एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगा रिवाइज़ करने के लिए कि बस आप उसको रिवाइज करते रहें टाइम का अच्छे तरीके से उपयोग करें कि स्टूडेंट को डिसिप्लिन सबसे मेन तरीका क्या है कि किस तरीके से आपको बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है मतलब उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग लानी है आपको क्या लानी है क्रिएटिविटी लानी है क्या लानी है क्रिएटिविटी ये दो चीज़ें आपकी याद हो ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए ठीक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एंटी ब्रिटिश जो मूवमेंट है तो ये किसने किया था एटीन ट्वेंटी फोर में हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लड़ा गया था तो ये किसने लड़ा था किट्टूर का है आपका कर्नाटका में ठीक है एक एक चीज लिखते जा रहा हूं किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो अहिल्या भाई होलकर ने नाना फंडवेस रानी लक्ष्मी की रानी चन्नम्मा तो ये किया था आपकी रानी चन्नम्मा ने किया था या ओके ठीक है जो कॉन्सेप्ट है आपका मतलब कि स्टेट आपका इंटरफेयर नहीं कर सकती है आपके रिलीजियस मैटर में तो वो क्या होगा आपका सवर्निटी होता है आपके आर्बिट्री होता है आपका सेकुलरिज्म होता है कि पॉलिटी होता है तो सेकुलरिज्म वो होता है जिसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं यहाँ पर कोई भी स्टेट क्या होता मतलब कोई भी स्टेट आपके रिलीजियस मैटर में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है वट इज द मोस्ट रेलिवेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मली डेवलपिंग एडल्टेंट मतलब नॉर्मली जो अच्छे तरीके से एकदम बच्चा है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा उसको क्या पेरेंटल सपोर्ट चाहिए रहता है फ्रीडम चाहिए रहती है दोस्तों डिजायर बाय डोमिनेशन बाय सिवलिंग डेवलपमेंट ऑफ इमोशन चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन आप मुझे कर, बताएंगे क्या है इसका सही आंसर है ठीक है हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द गेस्ट्राल थ्योरी मतलब गेस्ट्राइल थ्योरी के हिसाब से सबसे सही कौन सा इनमें से चयन है ट्रांसफर द लर्निंग लर्निंग जनरल लर्निंग इक्वायर्ड इन वन सब्जेक्ट टू द लर्निंग मतलब एक सब्जेक्ट में जो आपने धारणा की है तो दूसरे सब्जेक्ट पे एकदम डिपेंड इंडिपेंडेंट है मतलब वो अपने में ही सबसे सही है इम्प्रूवमेंट इन द फिज़िकल डेवलपमेंट कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट एकदम अच्छे तरीके से हो हैज जो आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे क्या असर करता है ये सेकंड पॉइंट ये कहना चाहता है आपका सी कह रहा है कि टोटल लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है जो आपकी क्या होती है एक्वायर्ड इन इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल लर्निंग से अच्छी आपकी टोटल पूरी जो समूह में होती है वो अच्छी होती है कि लर्निंग इज़ एक्वायर्ड बाय ग्रेस्पिंग द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम मतलब लर्निंग जब अच्छी होगी

चलिए देखिए आप ये अलग क्वेश्चन व्हाट इज बी व्हाट विल बी योर एटीट्यूड फॉर द स्टूडेंट हुर बैकवर्ड इन स्टडी मतलब जो बच्चे पीछे हैं मतलब पीछे कुछ हैं स्टडी में उनको आप कैसे करेंगे आप उनको बहुत बुरी तरीके से डांटेंगे सिम्पति होंगे लिबरल होंगे कि लवेबल होंगे आप लिबरल होंगे आप सम, सबसे अच्छे तरीके से रहेंगे आप ना ही उनको प्यार जताएंगे नहीं तो क्या होगा आप बोलते हैं ना सर पे चढ़ लो सर पे मत चढ़ो नहीं तो क्या करेंगे हमें परेशान करते हैं सिंपत्ति नहीं दिखाएंगे सहानुभूति नहीं करेंगे उनको पनिशमेंट नहीं देंगे लिबरल होंगे मतलब उदारवादी होंगे ठीक है चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी है ठीक है देख लीजिए फिर आगे और भी क्वेश्चन हैं मुझे वो भी करवाने हैं कुछ जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है मैप के रिगार्डिंग ठीक है चलिए अब हम ये यहाँ क्वेश्चन करते हैं एक इंसान है वो क्या है पाँच मीटर क्या गया साउथ में गया पाँच किलोमीटर साउथ में गया फिर उसने क्या लिया एक राइट टर्न लिया ये क्वेश्चन आप लोग करिए पहले फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोगों को आराम से करिए कोई जल्दी नहीं है टाइम भी तो मिलना चाहिए आप लोगों को जब आप करें मैं यहीं पर ही तुरंत बता दूँगा तो आप कैसे करेंगे तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता चला तो इसका आंसर क्या होगा कुछ इस तरीके से होगा इसका सही आंसर साउथ होगा ठीक है क्या होगा नहीं इन विच डायरेक्शन रिस्पेक्टेड पॉइंट पूछा ना एक सेकेंड एक सेकेंड ना इन विच डायरेक्शन मतलब यहाँ से रिगार्डिंग यहाँ पूछा तो ये पूछा इसने तो ये क्या होगा आपका कुछ इस तरीके का था तो ये साउथ वेस्ट होगा ऊपर तो से नीचे पहले क्या बोला ये साउथ में गया तो साउथ के बाद ये क्या राइट में गया राइट में, गया। राइट में ये गया फिर वो लेफ्ट गया ये क्या हो गया आपका साउथ वेस्ट हो गया कुछ इस तरीके से आएगा आपका पहले ये फाइव किलोमीटर गया फिर ये थ्री किलोमीटर गया फिर ये फाइव किलोमीटर गया ठीक है ये वाला क्वेश्चन करिए फिर मैं आपको बताता हूँ ठीक है सभी लोग करिए क्योंकि मैं अगर करवाते भी रहा तो आप लोग फिर क्या करेंगे तुरंत कर लेंगे इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ पहले नहीं तो आप लोग क्या सोचते रहेंगे इसका सही आंसर ये है ठीक है आप करिए बहुत स्टूडेंट जज भी करते हैं मेरे ख्याल से कि सर बताए बता नहीं रहे हैं उनको आता है कि नहीं आता है तो ऐसा नहीं है आप करिए आराम से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हम भी इंसान ही हैं बताइए जिनको भी इसका आंसर मिल गया हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखिए कुछ इस प्रकार का बनेगा पहले वो नॉर्थ में ट्वेंटी या थर्टी ये टी मीटर ये थर्टी मीटर ये उसका मीटर मीटर ठीक है फिर उसका 15 meter, और फिर उसका उसका और क्या है मीटर 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 तो तो ये ये हो हो गया गया और टोटल कितना हो गया फिफ्टीन तो मीटर हो, हो गया और ये किस तरफ जा रहा है ईस्ट की तरफ जा रहा है ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक जो है वो किस तरफ जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है ठीक है और नॉर्थ की तरफ वो जा रहा था उसने क्या लिया लेफ्ट ले लिया ठीक है ये फिफ्टीन माइल्स हो गया पहले आप लोग करिए फिर मैं आपको बताऊंगा पहले आप लोग सभी लोग करिए आराम से करिएगा जल्दी नहीं है हमें अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है तो इसका सही आंसर है नॉर्थ ईस्ट क्या है सही आंसर नॉर्थ ईस्ट एकदम सही इसका आंसर है ठीक हम इसका नेक्स्ट चलिए मैं आपको डायग्राम भी बना के बता देता हूँ इसका डायग्राम कैसे बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा देखिए सबसे पहले ये क्या गया नॉर्थ में गया फिर लेफ्ट गया लेफ्ट जाने के बाद इसने क्या किया कि ये बोल रहा है कि फिर इसने एक राइट ले लिया तो चलिए इसने फिर एक से राइट ले लिया अब ये क्या बोल रहा है फिर से इसने राइट लिया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया अभी लंबा राइट था तो ये हो गया आपका फिफ्टीन ये और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिफ्टीन हो गया आपका ये आपका कितना हो गया टेन हो गया ये आपका टेन हो गया तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा आपका ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया ना ठीक है मैरी इज वॉकिंग टूवर्ड साउथ वेस्ट मैरी क्या हो रही है एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है मतलब कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है चलिए इस डायरेक्शन में गए टर्न्स राइट मतलब इसने टर्न ले लिया एक राइट right में ठीक है और ये नाइन्टी ये फिफ्टीन ये और ये टेन है देन ही टर्न्स नाइन्टी डिग्री चलिए ठीक है नाइन्टी डिग्री कुछ इस तरीके से हो जाएगा यार ठीक है ये नाइन्टी डिग्री होगा एंड वॉक टेन ठीक है और फिर इसने एक लेफ़्ट ले लिया और ये थर्टी मिनट थर्टी मिनट चले गए चलिए बताइए अब कौन सा डायरेक्शन है इसके रिगार्डिंग तो ये कौन सा हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका ठीक है ये आपका कौन सा हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया चलिए हम और आगे चलते हैं अब ये तो आप कर ही सकते हैं ये तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा है तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ समथिंग लाइक like सिक्सटी फाइव होगा चलिए कर लेते हैं नॉर्थ में गया थर्टी मीटर आपके साथ ही मैं करता हूँ फिर ये राइट गया ये कितना हुआ चालीस मीटर फिर इसने राइट लिया कितना पैंतालीस मीटर फिर ये लेफ्ट लिया इसने एंड ट्वेंटी फाइव मीटर कुछ इस तरीके का है ना आंसर क्वेश्चन एक मिनट सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ सबसे तो पहले ये नॉर्थ गया थर्टी मीटर ठीक है फिर इसने राइट लिया राइट लिया फोर्टी मीटर ठीक है फिर इसने राइट लिया कितना पैंतालीस मीटर तो ये हो गया पैंतालीस मीटर फिर ये आ गया सॉरी ये आएगा इसका ये आएगा लेफ्ट ये आएगा लेफ्ट यहाँ ये आएगा लेफ्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ये कितना इसका एक मिनट एक मिनट फिर से डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं भी मारिया ने सबसे पहले क्या किया नॉर्थ में गई थर्टी मीटर बहुत देर से मतलब कंटिन्यूस क्लास होती है ना तो सर भी थोड़ा सा दुखने लगता है ऐसा होता है फिर उसने राइट लिया फोर्टी ठीक है अब उसने जब राइट लिया तो फिर से उसने क्या बोला फिर से उसने एक राइट लिया चलिए उसने फिर से एक राइट लिया कितना लिया पैंतालीस एक सेकेंड कहाँ गया मार्कर कहाँ चला गया हुँ. ये पैंतालीस मीटर का हो गया बन भी नहीं रहा अब तो ये हो गया आपका पैंतालीस मीटर का ठीक है अब जब ये पैंतालीस मीटर का हो गया तो उसने क्या बोला कि अब इसने भैया क्या ले लिया लेफ्ट ले लिया मीन्स उसने ये लेफ्ट ले लिया लेफ्ट ले लिया ठीक है अब इसने क्या बोला कि ये फिर से इसने लेफ़्ट ले लिया तो ये फिफ्टीन मीटर हो गया तो भैया ये ये आपका चालीस था ये पंद्रह था आपका कितना होगा गया चालीस और पंद्रह पंद्रह ही है ना भैया हाँ चालीस और बोला पचपन हो गया आपका ठीक है आगे चलते हैं तो ये था पूरा वीडियो आज का थोड़ा इसमें इशू हो, हो, हो गया होगा बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग हो गया होगा बाकी ओवरऑल मैंने बहुत सही बताया आपको कोई भी डिफिकल्टी आई होगी किसी क्वेश्चन में तो मुझे बताइएगा ठीक है तो क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ बहुत ही अच्छे वीडियो बनाए मेरे ख्याल से मैंने अगर आप लोगों को सभी लोगों को पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा मैंने एक एक चीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर बताइएगा मेरे जो लेक्चर्स हैं दूसरे साइंस सोशल साइंस मैथ्स सी के जो क्वेश्चन आंसर कर हैं उनको भी जरूर देखिएगा तो थैंक यू एंड हैव नाइस डे इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ